गुड मॉर्निंग चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एज वेल एज योर स्पिरिट्स. गुड, ग्रेट. एंड आई होप दैट यू गाइस आर एक्साइटेड एंड इग्नाइटेड अबाउट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ दैट इज इंटरमीडिएट. उसमें आप लोग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मेरे से पढ़ने वाले हैं. नाउ जो मेरा ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बैच है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा. फर्स्ट थिंग, आई कॉल दिस एज मेंटोरिंग बैच. सो लाएंगे यार जरा साथ में. थैंक यू. सो वेलकम टू सीएमए मेंटोरिंग बैच. मैं पहले मेंटोरिंग बैच के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अ बिट बताना चाहूंगा अपने पढ़ाने के तरीके में के बारे में. तो फर्स्ट वन आवर और सो आई विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एज वेल एज मेंटोरिंग बैच में हम लोगों ने करना क्या है, कैसे करना है. एंड गुड मॉर्निंग वर्चुअल स्टूडेंट्स. चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली हैव हर्ड ऑफ माई नेम बिफोर टूडे, बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर्मली. माई सेल्फ सी ए आशीष कालरा. आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. I am a qualified company secretary. I am a postgraduate in commerce, that is, I have done MCOM, and I have done Masters of Business Administration, that is MBA. कुछ साल पहले तक मेरा चौकटा ऐसा दिखता था. तो this French cut I had kept for 16 years. So I call myself as 16 years old. I am 16 years, sweet 16. मैंने इसी अपने जो अवतार है उसी के कुछ कार्टून्स बनवाए हैं, और उन कार्टून्स के थ्रू मैं पढ़ाना पसंद करता हूं. मैं स्टोरीज सुनाऊंगा आपको, मैं कहानियां सुनाऊंगा, मैं किस्से सुनाऊंगा, और बातों ही बातों में आसपास की प्रैक्टिकल चीजें बताते बताते आपके आसपास, मेरे आसपास एंड अदरवाइज वील सी दैट वील बी यू नो फ्लोइंग थ्रू द सब्जेक्ट. तो I would like to introduce, hello students, ye, if you can see a little bit of, thodi si resemblance agar aap dekh pa rahe ho to great hai, agar nahi dekh pa rahe ho to main dikha deta hu, ye resemblance, thodi si koshish karna, ye myself, baju mein, aur uske baju mein, kaun hai, wo ऑब्वियस ही बात है मैं बता सकता हूं, आई कैन से, बट इट वुड बी बेटर दैट वो लोग खुद ही बताएं. क्या कहते हो? ओके, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ये दो कैरेक्टर्स जो हैं, इनका नाम मैं बताना चाहूंगा. जो लंबा वाला कैरेक्टर है दैट इज केके. केके फुल फॉर्म खोरापाती कालरा. एंड द अदर वन इज कॉल्ड एके, या यू कैन कॉल हिम अनोखे कालरा. माई सेल्फ आशीष कालरा. सो वील बी टीचिंग यू टूगेदर. आई विल टेल यू अबाउट दिस थिंग अबिट कि देखो दोस्तों, ऐसा है, बचपन से हम लोग कार्टून्स देखते हैं. मेरे ख्याल से आप में से शायद ही कोई होंगे जो कि कार्टून्स बचपन में नहीं देखते थे या कॉमिक स्ट्रिप्स नहीं पढ़ते थे, एक्सेट्रा. लॉ यार, सो एज आई वॉज इंट्रोड्यूसिंग These two guys, let me not introduce. मैंने नाम बता दिया, आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये आते रहेंगे बीच बीच में आज की क्लास में और एवरी क्लास में. एंड दे विल कीप अस यू नो ऑन द ट्रैक, दे विल कीप ऑन हेल्पिंग अस. तो बचपन से कार्टून्स एक्सेट्रा देखते हुए हमें, मतलब मुझे तो बहुत मजा आता था. आज की डेट में बहुत सारी मूवीज बन गई हैं उन कॉमिक स्ट्रिप्स एक्सेट्रा पे. एवेंजर्स वो थोड़े से फाइटिंग वाले हैं, हमारे भाई जैसे टॉम एंड जेरी होते हैं तो ठीक है. एवरी यू नो टाइप ऑफ कार्टून हैज देयर लेसन्स टू गिव. सो हियर वी गो बाय फुल स्क्रीन. रुकावट के लिए खेद है. और भाई लोग कैसा साहब, मस्त है ना? बोले तो आप चिट टेंशन नहीं लेने का. अब आप लोग सोच रहे होगा कि अपुन कौन. माई सेल्फ
के उर्फ हुरा पाती कालरा। ए कौन बोला बीच में? ए पप्पन लाइट दे जरा इस पे, कोपचे में ले जरा से, और इससे मिलो, ये है एके उर्फ अनोखे कालरा। चलो अब अपुन तुम्हारा टाइम जस्ती नहीं करेगा दादा, अभी अपुन लोग चलता है, पान अपुन लोग बीच बीच में इधर आता रहेगा। चलो अपुन चलता है अभी, बोले तो टाटा बाय बाय। लव यार, थैंक यू। सो गाइस एज यू कैन सी दैट दीज टू गाइस के थोड़ा टपोरी साउट है, एक बड़ा शरीफ बच्चा वाला है, मतलब दोनों की स्टोरीज, दोनों के डायलॉग्स आप सुनोगे बीच में, कई जगहों पर वो डायलॉग नहीं बोलेंगे, दे विल कम एज अ कॉमिक स्ट्रिप, दे विल यू नो जैसे कॉमिक स्ट्रिप पे ऊपर कुछ लिखा होता है तो वैसा लिखा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, विल सी। तो गाइज एज आई वाज टेलिंग यू गाइज दैट आई एम टेकिंग योर बैच एंड आई कॉल दिस एज मेंटोरिंग बैच। लाएंगे यार इसे साथ में, तो मेंटोरिंग बैच का मैं फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। मेंटोरिंग में मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद यू एंड फॉर यू। नंबर वन इज मेंटोरिंग में फर्स्ट एम इज मोटिवेटिंग, आई विल बी मोटिवेटिंग यू, बिकॉज देखो बड़ी सिंपल सी बात है, द कोर्स दैट यू आर परस्यूइंग इज अ प्रोफेशनल कोर्स, एंड प्रोफेशनल कोर्स में देयर इज इनेविटेबली हार्डवर्क, बट हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन, हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन विल गेट यू थ्रू एंड गेट यू अ श्योर शॉट सक्सेस। सो आई विल बी मोटिवेटिंग यू टू डू द हार्डवर्क, नंबर वन। नंबर टू, आई विल बी ऑब्वियसली एडुकेटिंग यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई विल बी मोटिवेटिंग यू, नंबर वन। नंबर टू, आई विल बी एडुकेटिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू, आई कैन से दैट। देन थर्ड नंबर इज नेविगेटिंग। नेविगेटिंग देखिए जैसे शिप्स को नेविगेट करते हैं, अदरवाइज आप कभी अगर गूगल मैप्स एक्सेट्रा यूज करते हैं वो भी नेविगेशन ही तो होती है, दैट इज नथिंग बट नेविगेशन। सो आई विल टेल यू, देखो ऐसा होता है, लोग कहते हैं हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, आई डोंट बिलीव इन दैट, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता उसमें, बिकॉज इट इज इनसफिशियंट, इट इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट कंप्लीट। हार्डवर्क इज नॉट द की टू सक्सेस, हार्डवर्क इन द करेक्ट डायरेक्शन, नेविगेशन सही डायरेक्शन में। अब आप इमेजिन कीजिए आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और गलत एक्सरसाइज पे गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मसल बनने की जगह आपको स्प्रेन स्ट्रेन आ जाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। आप हार्डवर्क इन द रॉन्ग डायरेक्शन करेंगे तो क्या होगा, मुझे बताने की क्या जरूरत है? यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर आपने हार्डवर्क रॉन्ग डायरेक्शन में किया तो उसके इल इफेक्ट्स आएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर आपने करेक्ट डायरेक्शन में किया, इट इज इनेविटेबल दैट यू विल गेट द राइट डायरेक्शन, राइट रिजल्ट्स, करेक्ट रिजल्ट्स। सो अल्टीमेटली I'll be motivating you, I will be educating you, I will be navigating you, and then I will be training you. Guys, meri baat dhyan se sunega. Training is extremely important. Dekho, badi simple si baat hai. Train karte hain koi bhi cheez ke liye. Aur hamara subject hai practical subject. Practical subject. Jaise, badi simple si baat hai, aap car motor driving ki bhi training hoti hai. It's practical. You have to do it and then learn it, understand it. So accordingly, I'll be training you, then I'll be helping you to optimize your efforts as well as your time. Dekho, meri baat dhyan se sunna, main aap logon ko yahan par even, I will be teaching you how to do the time management. I will be telling you, no doubts about it, I can just straight away teach my subject cost management accounting and get it over with. But I don't prefer to do that, I've never done that since the inception. And I just don't want to do that. बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं ये जानता हूं मैं यहां पर स्टूडेंट्स को सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में पास करवाना या एज द केस में भी एक्सेलेंट मार्क्स लाने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, मुझे आपका पूरा ग्रुप, बोथ ग्रुप्स, एज द केस में पूरा कोर्स क्लियर चाहिए। तो आई ट्राई टू हेल्प यू इन दैट। सो यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर टाइम, यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर एफर्ट्स, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन ऑब्वियसली बात है, देखिए आप लोग जो लोग भी फेस टू फेस या लाइव वर्चुअल में कनेक्टेड है मेरे साथ, आप सब लोग की सबसे पहली सुबह सुबह की क्लास जो दिन की शुरुआत है वो इस हसीन चेहरे के साथ होने वाली है।
So you'll feel relaxed. I'll be relaxing you. Come on, dudes and babes, relax yourself. Enjoy. Go with the flow. Oh, yeah. Anyhow, then relaxing and then obviously baat hai, illuminating. Illuminating, main aapko kai aisi cheeze bataunga. Matlab, core concepts. Illumination ka fundamental kya hai? I'll go in deep. I will take you deep inside the sea. Hold your hand. आपको ऑक्सीजन मास्क लगवा के बीच में नीचे लेके गए एंड उसमें आपको जो है और डीप कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड किया. तो विल बी आई विल बी इल्यूमिनेटिंग देन आई विल बी ऑब्वियसली नर्चरिंग एंड अल्टीमेटली हेल्पिंग यू ग्रो. नर्चर इज टू ग्रो. तो आई एवरी सिंगल डे यू विल टेक समथिंग मोर. हर रोज आप कुछ नया लेके जाओगे, कुछ एडिशनल लेके जाओगे, नॉलेज लेके जाओगे और नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को अप्लाई करने की विजडम आनी चाहिए. क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, नॉलेज को अप्लाई करने की विजडम होना, वो कल्टीवेट करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आई विल बी हेल्पिंग नर्चरिंग यू एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आई विल बी ग्रूमिंग यू. हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी जो है इसीलिए मैंने इसी हिसाब से रखा था, इंस्टीट्यूट फॉर grooming professionals, IGP. आप लोग नाम जानते हैं, it's the short form. People are more aware of IGP, but its full form is Institute for Grooming Professionals. Now, बड़ी सिंपल सी बात, जो लोग जानते हैं ग्रेट, जो लोग नहीं जानते हैं, now it's been 24 years. ये प्री कोविड टाइम्स के हालात हैं. ये मेरा क्लासरूम जैसे प्री कोविड टाइम्स में कभी क्लासरूम दिखता था, बड़े हॉल में हम लोग और वर्चुअल में क्लासेस जाती थी. यस, नो डाउट्स अबाउट इट, बट कंपैरेटिवली कम. आई यूज्ड टू प्रेफर कि स्टूडेंट्स आए और क्लास लें सामने. तो इट्स बीन 24 इयर्स दैट आई हैव बीन टीचिंग. अब आप लोगों की ऑब्वियसली बात है उम्र ही 24 साल नहीं होगी. यू गाइज आर मोस्ट लाइकली ऑफ द एज और स्टेज वेयर यू विल से कि यार इनका तो टीचिंग एक्सपीरियंस हमारी उम्र से ज्यादा है. ये टीचिंग एक्सपीरियंस ये नहीं है टोटल, टू टेल यू फ्रेंकली, दिस इज नॉट द टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस. दिस इज टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ सी ए सी एस सी एम ए स्टूडेंट. दिस इज द बेसिकली ये मैं आई गो एज अ सेंटा ऑन 25 दिसंबर. इफ यू हैव अ क्लास, योर क्लास विल बी ओवर बाय 25 दिसंबर. तो 25 दिसंबर पे आई गो एज अ सेंटा क्लास. एवरी ईयर इट्स अ ट्रेडिशन. ऑलमोस्ट आई थिंक 15-16 साल से मैं जा रहा हूं ऐसे. तो इट आई हैव बीन ब्रीदिंग दिस सब्जेक्ट सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जैसा आपका ग्रुप टू में है, देन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनल में है और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन फाइनल में है. तो ये कॉस्ट एंड फाइनेंस बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आई हैव बीन ब्रीदिंग दीज सब्जेक्ट्स एवरी सिंगल डे ऑफ माय लाइफ फॉर द पास्ट 24 इयर्स. मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 24 साल से मैंने सीएसीएस सीएमए के स्टूडेंट्स को ही ग्रूम किया है, एज द केस में भी प्रिपेयर किया है. तो इंटरमीडिएट एंड फाइनल को मैं पढ़ाता हूं, बट फाउंडेशन में जो बच्चे हमारे से पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे फाउंडेशन में, उनको ग्रूमिंग के लिए उनको थोड़ा सा कभी ना कभी आता हूं. आप में से कोई अगर हमारे इंस्टीट्यूट के हो तो कभी ना कभी मेरे से पहले मिले होंगे. आई केम फॉर के ओके गाइज ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए या ऐसे पढ़ना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो गाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज तो इट्स बिन ईयर्स, इट्स बिन मोर देन टू डिकेड्स की मैं सी एस सी एस सी एम ए 24 ईयर्स हो गए. मैं 1999 से सी एस सी एस सी एम ए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, 1999 से. बट वैसे मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 1992 से है. मैं 1992 से पढ़ा रहा हूं, बट 1999 से प्रोफेशनली आई डिसाइडेड दैट आई विल बी डूइंग दिस ओनली. दैट वॉज ईयर 1999. तो 99 लेते हैं, 2000 लेते हैं, दो साल, और 2022 तो 22 साल, 24वां साल जो है खत्म हो चुका है. 25th कायदे से बोलूं तो शुरू हो चुका है मोर और लेस, बस वी आर ऑलमोस्ट देयर. मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं. तो गाइज एज द केस में भी अगर लुक एंड फील देखनी है कि क्लास जो है, जैसे अगर मैंने फॉर डिकेड्स जो पढ़ाई है वो किस तरह की दिखती थी, तो अ लिटिल बिट ऑफ द सिनेरियो हाउ इट लुक्स. We'll be right back.
अब आप लोग अगर सोचेंगे, लाओ यार, आप लोग अगर सोचेंगे कि सर ये होता है क्लास में, नहीं बीच में फेयरवेल और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी है, बीच में क्लास में पढ़ाने का सीन भी था और साथ में फिर जैसे हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, इट्स बिन अगेन आई स्टार्टेड दिस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इन ईयर 2007, 2007 में शुरू की थी, तब से लेकर अब तक हम लोग एज ए ट्रेडिशनल ट्रेडिशन शुरू करते हुए आए हैं और इसी तरीके से फिर क्लास खत्म होती है तो फेयरवेल होती है, फेयरवेल होती है तो डीजे होता है, डीजे होता है तो डांस होता है, डांस होता है तो पार्टी होती है, तो अकॉर्डिंगली सब मिला के ये ओवरऑल एक्सपीरियंस का जस्ट एक ग्लिम्स था। नाउ टू टेल यू गाइज, देखो अभी लेटेस्ट में भी आई होप दैट यू गाइज मे बी अवेयर ऑफ दैट, लेटेस्ट में भी 100 out of 100 मुस्कान वढेरा माई स्टूडेंट शी स्कोर्ड दिस टाइम। तो द थिंग इज पीपल से सीए इज डिफिकल्ट, पीपल से दैट यू नो गेटिंग गुड मार्क्स इन सीए एग्जाम्स इज वेरी डिफिकल्ट, पास होना तो छोड़ो यार, मतलब कहीं पे पास होना तो मतलब कहीं कई लोग तो ऐसे कहते पास होना नहीं पॉसिबल हमारे लिए, तो भैया 100 में से 100, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इट्स वी से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बिकॉज अर्लियर माई स्टूडेंट along with all india rank 1 he scored 100 out of 100 in my subject again, his twin brother he got 99 out of 100 and so on and so forth, so there are a lot many results which are there in the past, and actually main ye results mein dekho main guide sabko barabar karunga, main aapko pura rasta bataunga, आपको आप 100 लाते हो, 99 लाते हो, 98, 97, there are so many, मैं यहां पर नहीं दिखा सकता, मैंने सिर्फ एक रिजल्ट के यहां पे दिखा रखे हैं कि ओके वन रिजल्ट 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, whatever as the case may be. तो कॉस्ट एंड फाइनेंस दोनों में जो है बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो पीपल से दैट सीए इज डिफिकल्ट, आई एम सो सॉरी टू से, आई ओपनर देना चाहूंगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट, हाँ इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, दिस इज द डिफरेंस, आई विल सिंपली से यू सी, अगर कोई कहता है इट इज डिफिकल्ट तो वो पहले ही अपने आप को रोक रहा है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, दैट्स इट। अब हार्ड वर्क को अगर आप डिफिकल्ट कहते हो, सर जी नाम ही लिखा हुआ है हार्ड, तो हार्ड मीन डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट वर्क हो गया, नहीं, आप अगर अनुशासन से चलोगे, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको बॉडी बनानी है हार्ड वर्क, आपको फिजिकली हेल्दी रहना है, आपको गुड मार्क्स लाने हैं, आपको करियर में लाइफ में कुछ अच्छा करना है, दैट इज हार्ड वर्क, यू नो बीइंग मैरिड इज अ हार्ड वर्क, हैविंग अ गर्लफ्रेंड इज अ वेरी हार्ड वर्क, मतलब देखो आई एम अ बॉय, आई विल टॉक लाइक अ बॉय, यू नो आई विल नॉट से हैविंग अ बॉयफ्रेंड बिकॉज आई एम स्ट्रेट, सिंपल आई एम स्ट्रेट, तो बट आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ योर प्रेफरेंसेस एंड आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू जज, इट्स ओके, वी आर ओपन टू वट एवर इज हैपनिंग अराउंड, बट द थिंग इज यू सी दिस इज अ लॉट ऑफ एफर्ट, द पॉइंट इज CA is an easy course, getting excellent marks is very easy, and clearing your exams in first attempt, main aapse ek sawal puchna chahunga, do you want to pass your exams in first attempt? How many of you do want? Please raise your hand. Good, great, excellent. That's the first thing. So, yahan par 100% ne raise hand kiya, yahan virtual students bhi saath mein ESS bhej diya karo yaar. यस 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 यस, वहां से भी पता चलेगा, दिस इज नंबर वन, ऑल ऑफ यू वॉन्ट दैट। नंबर टू, ऑल इंडिया में हर रिजल्ट में 50 रैंक आती हैं, अब आप में से कोई अगर एस्पायर करते हैं, डू यू वॉन्ट टू स्कोर एन ऑल इंडिया रैंक, जो लोग करते हैं ऑनेस्टली सिर्फ वही रीजन करना, ये नहीं कि बाकी कर रहे हैं, हम भी करेंगे, गुड ग्रेट। तो पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा गाइज,
अगर आपको रैंक लानी है तो पहली बात आपको यह समझनी है कि इसमें आपको बोथ ग्रुप्स देने पड़ते हैं, एक ग्रुप में रैंक नहीं आती। ये चीज क्लियर होना चाहिए। इफ यू गिव बोथ ग्रुप्स, अगर आपके सिंगल ग्रुप में 400 में से 400 हैं, वैसे 400 में से 400 आते नहीं है, 400 में से 400, मेरे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है जी। 100 आउट ऑफ 100 के रिजल्ट्स आप जनरली देखते नहीं हो, ऑल ओवर द कंट्री पीपल डू नॉट शोकेस दैट 99, 98, व्हाटएवर एज द केस में, ग्रेस ऑफ गॉड दैट स्टूडेंट्स ऑफ माइन दे लिसन टू मी एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एंड दे आर एबल टू स्कोर। सो आई विल ऑल्सो टेल यू दैट पर्टिकुलर वे, दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। बड़ी सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा, देखो गाइज, आपको अगर रैंक लानी है ऑल इंडिया रैंक, तो उसके लिए बोथ ग्रुप्स देने, पहली चीज तो आपको ये माइंड में ये सेट करना है। पहली बात आपको माइंड में ये सेट करना है, आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं। और देखो मैं ना आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, बीट अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, दोनों अल्टीमेटली अकाउंटिंग है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है, बट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस हमारे मेजर काम, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डे टू डे में काम नहीं आती, बट स्टिल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा काम आती है। आपको अगर सीए का काम करना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यू नीड टू हैव मास्टरी, ऑडिटिंग यू नीड टू हैव मास्टरी, एंड खास करके कॉर्पोरेट लॉज तो पक्का, लॉज में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट लॉ, ये आपको, क्योंकि अकाउंटिंग भी जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी लॉ से लिंक्ड है, नो डाउट्स अबाउट इट, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बट स्टिल कॉर्पोरेट लॉज, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ये आपको बात क्या है, अगर आपको सीए एज अ प्रोफेशन को करना है, या जो लोग भी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएमए एज अ प्रोफेशन कर रहे हो, उनको अल्टीमेटली ये अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, ये सारी चीजों में, और खास करके अगेन लॉज इज इंपॉर्टेंट, दो इट इज नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू यू नो रिमेंबर ऑल द थिंग्स एट ऑल द टाइम्स, वी कैन रेफर, रेडी रेकनर्स आते हैं आगे चल के, बट स्टिल प्रेजेंट स्टेज में तो आपको बहुत अच्छे से उसको समझने की जरूरत है। तो देखो दोस्तों ऐसा है, इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने अलग से नाम नहीं लिया, बट टैक्सेशन, टैक्सेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, आपको ना जिंदगी बितानी है इनके साथ। इफ यू आर टेकिंग दिस सीए एज अ प्रोफेशन, देन आपको इनके साथ जिंदगी बितानी है, तो आप ऊपर ऊपर से नहीं कर सकते, आप ऐसे ही घास काट लें ऊपर ऊपर से, चल भाई हो गया, नहीं, वी नीड टू गो इन डीप, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। तो देखो नो डाउट्स अबाउट इट, आई विल बी टीचिंग यू माई सब्जेक्ट, I'll be teaching you my subject, cost management accounting in group 1, financial management in group 2, and economics for finance as the case may be. But still, what I'm talking about is you have to live with these subjects, and hence, aap upar upar se karenge, koi fayda nahi hoga. You'll have to probe in deep. And, badi simple si baat, once again, I would like to say, what you need to do to get excellent marks and clear the CACS, CA and CMA exams in the first attempt, क्या करना चाहिए, मैं आपसे यहां पे शेयर करता हूं। मैं जैसे जैसे हमारी क्लासेस मूव करती जाएंगी, मैं साथ साथ में ये चीजें और गहराई में बताता जाऊंगा, बट आज एक ओवरव्यू देता हूं। यू सी गाइज, देर इज समथिंग कॉल्ड साइंस। आप लोगों को साइंस का मतलब पता है? किसी को साइंस का मतलब पता हो प्लीज, एनीबडी कैन जस्ट डिफाइन साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, एनीथिंग, कोई डिफाइन कर सकते हो? रेज हैंड करेंगे, माइक देना यार। सो लेट अस अंडरस्टैंड साइंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स। साइंस की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आई डोंट नीड अ डेफिनेशन, आई डोंट नीड अ क्रैमिंग थिंग, आई जस्ट नीड टू नो व्हाट यू नो अबाउट साइंस। यस माय डियर जी, बताए। Science is something which is proved using some experiments. Science is something which is used proving some experiments. I would like to ask you a question, Vivi. Is making a chapati a science or not? Mic pe. Baithe raho. Yes or no? Yes, it is. Yes, it is. Okay. Great. Then making a watch,
is it involving science or not? Yes or no? Yes, sir. माइक पे थोड़ा सा. Yes, sir, it is. Yes. So you see, जैसे कुकिंग है या अदरवाइज कोई भी चीज की इनोवेशन है, जैसे आपके फ्रेंड ने बोला, बिल्कुल सही बोला, एंड आई एम एब्सोल्युटली अग्रीइंग विद हर. देयर इज इवन अ डेफिनेशन गिवन बाय अ फिलोसोफर, अ फ्रेंच फिलोसोफर पॉल वैलरी. उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? उन्होंने दिया, साइंस इज द रेसिपी. साइंस इज एक ऐसी रेसिपी जो कि एक बार बन गई, अब आप उसको रिपीट करते हो. जैसे आपके फ्रेंड ने बोला एक्सपेरिमेंटिंग, तो साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल रेसिपीज. माइक ले लो, थैंक यू. चॉकलेट जरूर देना बेबी को. तो साइंस इज द कलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल रेसिपीज. देखो दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है, साइंस ऑफ सक्सेस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं. साइंस ऑफ सक्सेस, माय बैच इज मेंटोरिंग बैच. आई कैन स्ट्रेट अवे कम टू, ओके ये सब्जेक्ट है, आएंगे थोड़ी देर बाद आएंगे. इनिशियली आई वॉन्ट टू शेयर विद यू द साइंस ऑफ सक्सेस. आई नीड यू टू हैव अ माइंड सेट फ्रॉम नाउ ऑन कि आपको क्या चाहिए. मैं सिर्फ यहां पे आऊं, अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊं और चला जाऊं, एंड आप ओके जी हमने क्वेश्चंस कर लिए, हमने ये कर लिया. नो, उससे ओवरऑल सक्सेस नहीं आएगी. आई वॉन्ट योर ओवरऑल सक्सेस, एंड अल्टीमेटली कल को कभी भी आप कहीं पे भी हो, कभी ना कभी आप यू नो यू सेंड सम गुड वाइब्स ओवर हेयर. यस, समबडी हेल्प्ड मी टू ग्रूम टू शेप माई करियर, एंड ग्रेस ऑफ गॉड टच वुड. आज भी बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं और वो जब ऐसा लव एंड रिस्पेक्ट देते हैं, इट्स रियली लवली. नाउ कमिंग बैक टू यू, अंडरस्टैंड दिस साइंस ऑफ सक्सेस. साइंस, जैसा कि आपके फ्रेंड ने बोला, एक्सपेरिमेंटिंग करना पड़ता है हमें. ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स आते हैं. अगर हमें वो रिजल्ट रिपीट करने हैं, तो वही प्रोसेस जो पहले किया था, जो रेसिपी थी, उसी रेसिपी को रिपीट करते हैं. तो एज आई टोल्ड यू, पॉल वैलरी फ्रेंच फिलोसोफर, साइंस इज द कलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल रेसिपीज. मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एक सवाल पूछना चाहूंगा. जैसे आपके फ्रेंड से मैंने पूछा, बेबी चपाती बनाना, रोटी बनाना, इज इट अ साइंस? उन्होंने कहा यस. बट सोना, यू एंड एवरीबडी, आपके मम्मी के हाथ की चपाती, आपकी मासी के हाथ की चपाती, आपकी मामी के हाथ की चपाती, आपके चाची के हाथ की चपाती, आई डोंट थिंक कि सबका सेम साइज, थिकनेस, बिल्कुल सेम टेस्ट आता हो आपको. सभी को अल्टीमेटली भाई आटे को गूंदा, पेड़ा बनाया, बेला, एंड एज द केस में भी फ्लैट करने के बाद उस आटे को हीट प्रोसेस किया, लेकिन रिजल्ट सेम नहीं आया. एक बड़ी सिंपल सी बात, शाही पनीर बनता है, किसी एक रेस्टोरेंट में बनता है, दूसरे रेस्टोरेंट में बनता है, तीसरे में बनता है, आपके घर पे बनता है, सब सेम नहीं होता. यू नो व्हाई? दे आर नॉट फॉलोइंग एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, वंस अगेन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. लेकिन अगर आप कभी मैकडॉनल्ड्स जाते हो और मैकडॉनल्ड्स में जाके मैकालू टिक्की बर्गर खाते हो या फ्रेंच फ्राइज खाते हो, किसी एक मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट में जाते हो फिर दूसरे में जाते हो, टेस्ट सेम होता है कि नहीं होता है? इट इज सेम. ये नहीं है इधर का मैकालू टिक्की बड़ा अच्छा है, उधर का वाओ, ऐसा नहीं है. रीजन इज व्हाई, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द सेम फॉर्मूला. सक्सेस हैज अ फॉर्मूला. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, कार, बीएमडब्ल्यू की कार है जी, ये वाली बीएमडब्ल्यू की एक कार है. ओ वापस आओ, नहीं आ रही. बीएमडब्ल्यू की जो कार है ना, एक कार दूसरी कार, आप में से किसी के पास मोबाइल फोन हो, लेट्स से आईफोन हो, सेम बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन का दूसरे के पास हो, सेम रिजल्ट, सेम चीज, सेम कैपेबिलिटीज, सेम क्वालिटी. व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ साइंस. सिमिलरली थम्स अप
एक थम्स अप दूसरा थम्स अप सब सेम टेस्ट है. सिमिलरली एज आई टोल्ड यू फोन मोबाइल फोन एज द केस में भी. तो दोस्तों ऐसा है ये सारे फॉर्मूला से बने हैं इसीलिए एग्जैक्टली रेप्लीकेट करते हैं एग्जैक्टली सेम करते हैं. मैं आपको यहां पर जैसे ये सबका एक फॉर्मूला होता है एक प्रोसेस होता है पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे इतना ये डालेंगे इतना ये करेंगे इतना ये करेंगे एंड ये रिजल्ट नेक्स्ट अगेन सेम रिजल्ट नेक्स्ट अगेन सेम रिजल्ट. तो सक्सेस का भी एक फॉर्मूला और मैं को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए और ग्रेस ऑफ गॉड टच वुड ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स ओवर दीज इयर्स में 1000 से ज्यादा को मैं गाइड कर चुका हूं 1000 प्लस ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स और फर्दर मोर पिछले अगर मैं 12 साल की बात करूं 13 इयर्स की बात करूं तो 13 इयर्स में 10 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक वन हैव बीन माय स्टूडेंट्स. एक्चुअली सर ये हर बार क्यों नहीं हो रहा आपके साथ. आप अगर साइंस ऑफ सक्सेस जानते हो आप अगर उनसे शेयर करते हो बच्चों से क्योंकि यार अप्लाई मुझे नहीं करना ना उन्हें करना है एग्जाम मैंने थोड़ा ना देने उन्होंने देने. एंड हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स हर एक इंडिविजुअल के थॉट्स डिफर कर जाते हैं. समबडी हैज अ गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम ही इज डिस्ट्रैक्टेड ठीक है जी. समबडी हैज अदर प्रॉब्लम्स यार आई हैव अ फ्रेंड प्रॉब्लम हु इज नॉट बिकमिंग माई गर्लफ्रेंड कीपिंग मी इन फ्रेंड जोन व्हाटएवर मजाक छोड़ते हैं. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज सिंस हम लोग ह्यूमन बीइंग्स सबके अपने थॉट्स होते हैं मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा बट कितने लोग अप्लाई करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम आई विल बी यू नो ट्राइंग टू इनकल्केट इन यू दीज थिंग्स एंड अगर आपको यू नो रियली सक्सेस पानी है तो आपको वो फॉर्मूलाज फॉलो करने पड़ेंगे. एंड रादर देन कि पहले मैं ये चीज बोलूं लेट्स सी अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स फीडबैक्स जो कि ये चीज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं एज द केस में भी सी ए में एफ एम ई को फीडबैक्स भाई फुल स्क्रीन लगा दो. I would say, sir, ki ये इस बार दो वॉल्यूम बुक्स हैं, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू एंड देर इज वन दिस पॉकेट बुक विच हैज ऑल द फॉर्मूलाज. सो जब सर की क्लासेस स्टार्ट हुई थी आई डिड वॉल्यूम वन कम्प्लीटली देन वॉल्यूम टू कम्प्लीटली एंड देन पॉकेट बुक. कोई एक्स्ट्रा मटीरियल रेफर करने की जरूरत ही नहीं है. आई थिंक दैट्स एप्ट एंड आई थिंक उससे ज्यादा बियॉन्ड यू शुड नॉट डू बिकॉज आई थिंक दैट्स उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता. आई थिंक इट हैज एवरीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड टू सिक्योर 100 on 100. जितने क्वेश्चन आईसीए मॉड्यूल में है उससे 10 टाइम्स ज्यादा सर की बुक में है. सो इफ यू आर डन विद सर मटीरियल आई थिंक कोई भी बुक खुद ही टू टेस्ट योर सेल्फ जस्ट सी और कोई क्वेश्चन देयर वोंट बी एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम सर बुक. डू सर की बुक एंड दैट पॉकेट बुक दैट्स इट और सर के सॉल्व सोल्यूशन के लेक्चर्स देख लो. आई थिंक इफ यू डू दैट नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग ग्रेट हाइट्स. नाउ वुड से डोंट इवन थिंक वंस फॉरगेट अबाउट थिंकिंग ट्वाइस बिफोर चूजिंग सर एज योर मेंटर फॉर एफ एम ई को कॉस्टिंग. आई थिंक इट वॉज माई बेस्ट डिसीजन एंड आई कैन अश्योर इट्स गोना बी योर बेस्ट डिसीजन. My name is Shubham Malhotra, Secured All India Rank 1 and 100 marks in Cost Management Accounting, 87 in FM and Eco. Ashish sir hamesha yehi bolte rahe, question ko 2-3 baar padho. Question ki jad jad tak ko padho, ek ek full stop tak ko padho. And uske baad question jab pura samajh mein aa jayega na, koi nahi rok sakta aapko. Mere se kisi ne pucha le 100 kaisa hai, kaise present kara tha paper mein. To maine yehi soch ke kara tha, re examiner ko kuch nahi aata. Main use ek ek baat bata ke aunga paper mein, ek ek working note use dikha ke aunga. Jaise sir class mein karte the na, choti se choti baat likhte the, taki bacche ko koi doubt na. I dedicate a large part of my success to Ashish Kalra sir. I was really short on time to prepare for the exams and he made sure that I utilized whatever time I had in the best possible manner and the result is in front of everybody. Talking about Kalra sir, I would say he's a man who is full of so much of positivity and optimism that he's bound to make you full of optimism. The conceptual clarity he etches in your mind stays with you for life long. No doubt it helped me attain rank 1 yet again in CS Executive. I would like to thank sir for always being there for me, for guiding me and supporting me and being that push which made me reach towards success.
He is a jeweler who identified the gem in me, polished it and made me shine. Hello everyone, I'm Himika Agarwala, Ashish Kalra's student. I've secured rank 1 in ICC November attempt this time. Thank you so much, Kalra's student. Be there, that's all we need. And before I say anything, I'd like to say this again, I'm certified class officer. You are actually incredible. You know, Kalra, so this is what I realized that your class is all over. You are a great motivation for all of us. So I'm sure I've met a movie personally. Thank you so much for everything. And one thing I would like to say is always there, and this is very, very good. Please be clear with your fundamentals and keep your concepts strong. So definitely great motivation. Please leave it there. Concepts and real-life examples that you use to teach in the class. Those are really amazing. I just need to study them once and they will help me see CSE final or whether it be my practical life afterwards. They will always help me. So I really thank sir. And most importantly, apart from being a good teacher, he's also a great guide and a nice friend. Hi everyone, I'm Abhishek Agarwal. I secured All India second rank in the CIBCC November 15 exams and got 82 marks in costing and FM. Talking about Kalra sir, I think he is a person who not only possesses one of the most thorough and vast knowledge of the subject that he teaches, but also has one of the most dynamic and charismatic personalities that I've ever seen. A man who can motivate you with his words. He can help you achieve all that you want to just by talking 5 minutes to you. He can put that energy into you which can make you move mountains. And it is his dedication towards the subject. Working 15 hours a day is not a very easy thing to do. His dedication for the students, which really makes it very easy for us to do what we have. A person who has crystal clear concept clarity and who takes it every bit of thing that he has to in order to make you succeed. A big part of my success goes to Ashish Kalra. IGP as an institute has set very high standards in professionalism and student service. I would very love to thank Ashish sir. Class B, he is a great teacher, but he is an even better person if you talk to him personally. So, thank you so much sir for your guidance sir. I hold you with him, hold you in November and I'm nothing some YouTube sessions for guidance. So, I feel that I am very glad to be a person. So, if I have a person, he will be, when he was explaining me, I was telling him, I'm going to serve 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 him. So, thank you so much, because that was a very low moment for me, but then somehow brought it up. So, thank you. Hello, everyone. Lana here. So I would like to tell you a bit about this girl. Ye abhi 2021 mein All India rank 2. Mahin name. She got All India rank 2 and I would like to tell you one more thing. That ek to pehli cheez bhai lockdown wale period ke students hain. Inhone purely virtual class liye hain. कॉन्टैक्ट जैसे आप लोग फिजिकली यहाँ पर बैठे हो हम लोग जो है आप मुझसे सीधा एट द एंड ऑफ द क्लास यू कैन कैच होल्ड ऑफ मी एनी डे एंड आई एम हेयर 98% ऑफ द टाइम आफ्टर द क्लास टिल योर नेक्स्ट क्लास बिगिंस आई एम ऑल योर्स कभी 1-2% मुझे कहीं ना कहीं कोई और कमिटमेंट हो सकती है जैसे कभी मेरे कोई सेशन जैसे अभी मेरा सी इंस्टीट्यूट में भी सेशन है फरीदाबाद में सेशन है दिस एंड दैट तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ता है तो दैट इज 1-2% नॉट मच मैं जनरली कमिटमेंट्स लेट की लेता हूँ जस्ट क्लास के बाद की नहीं लेता बट एक दो कमिटमेंट्स आ जाती हैं तो आई से ओके नाउ शी हैड हर फादर हैविंग कैंसर एट द टाइम शी वॉज प्रिपेयरिंग ही वॉज गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट शी हैड अ कॉल विद मी बट शी डिडंट एक्सप्लेन दैट इज व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से कि मैंने ज्यादा नहीं बताया मैंने कहा बस मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है दिस एंड दैट एंड मतलब इवन आप जैसे ये 100 out of 100 अभी आप अगर लेटेस्ट इनका भी अगर देखोगे तो आई मेंटोर्ड हर ये भी उसी टाइम के भाई वर्चुअली शी वाज कनेक्टेड नॉट फेस टू फेस तो आई
helped her draft a plan ki muskan baby aise kar sakte ho ye kar sakte ho wo kar sakte ho so I try to do that touch wood for me you know teaching today I don't need to teach honestly speaking matlab in the first almost 7-8 years of my career I needed to teach today I don't need to it's my passion that I am doing this it's not my need there is a lot of difference people do it for need I'm not doing it for my need I'm doing it for you guys I want to get the best results out of you I've done in the past I've helped students in the past and I hope to do so in the future now this girl she lost her father after her exams after her result and he was very serious before exams also chemotherapy and what not you are aware of that ki suna hi hoga cancer mein kya hota hai but still she did not give up 5 feet height hogi mere khayal se iski choti si pyari si bachchi hai and choti baby aise saath mein khadi thi matlab she has met me a number of times thereafter touchwood I bless her God bless her. But frankly speaking, you see, even with these type of hardships, people are able to do the extraordinary. Even with these type of hardships. So do you have any such hardships? Such problems? If you have, okay. Be motivated by these people around you who have done it along with the hardships. Or else, you choose to you know make those hardships much bigger than they really are for you aapke upar hai to khair main ab wapas aana chahunga apne session pe so guys coming back to this so we'll be discussing the science of success and the first thing that you need to do in this is self belief dekho aisa hai before मैं आपको बोलूं कि ओके जी गाइस यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स एक्सीलेंट मार्क्स आपका अगर अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है इफ यू थिंक दैट यू कैन डू इट देखो मैं आपको ना एक ऑनेस्ट बात बताऊंगा रियली स्पीकिंग अभी यू हैव अ लॉट ऑफ लाइफ अहेड ऑफ यू आई have lived a lot of life and touch wood I hope that I have a good life ahead but still I have tried so many things in my life I don't smoke by choice I will never smoke by choice try many things does not mean this drugs no my choice I don't want that mujhe nahi chahiye I have done scuba diving number of times skydiving number of times bungee jumping number of times giant swing idhar se koode jhoolte hue wahan us taraf gaye free fall karke and so on adventure sports whatever you may say cliff jumping cliff se jump karke pani ke andar nadi ke andar 20 feet 22 feet 25 feet whatever jitna feel kiya टेढ़ा मेढ़ा होके व्हाटएवर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज एनीथिंग दैट आई हैव डन आई विल सिंपली टेल यू वन थिंग व्हेनेवर समथिंग कम्स अक्रॉस मेरे सामने एक सवाल आता है कैन आई डू दिस मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं कैन आई डू दिस जैसे आपको अगर रैंक लानी है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है या अदरवाइज कोई भी एक्सवाइजी जैसे मैं ये एडवेंचर स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दे रहा हूं या इवन जब मैं सीए जब मैं परस्यू कर रहा था I asked myself, "Can I do this?" The answer came, "I can," and I did it. So, "Can I" का उल्टा हो गया बस. I can. So, if you think self-belief, once again, I will mentor you, all of you, in following the science of success, but. The first step in the science of success is self-belief. I can and I will. No excuses.
No excuses. Cross my heart and hope to die. मैं अपने सीए का भी आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा. जिस जमाने में मैं कर रहा था, जस्ट इमेजिन, ग्रेस ऑफ गॉड, टच वुड, माई फादर इज गोइंग टू बी 85 जस्ट इन अ कपल ऑफ मंथ्स नाउ. सो माई फादर इज 85 ईयर्स ओल्ड एंड प्रोबेबली आई एम नॉट लेस देन योर फादर एंड मदर. जब आप सोच सकते हो 24 साल से तो मैं सी ए सी एस सी एम ए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं यार. आपके मम्मी पापा की एज या तो मेरे आसपास होगी या एक दो साल ऊपर एक दो साल नीचे, दैट्स इट. हाँ, आप अपने मम्मी पापा से जो बातें नहीं कर सकते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, वो मेरे से कर सकते हो एंड आई कैन गाइड यू एंड आई एम ओपन एंड आई एम नॉट गोइंग टू जज यू गाइस एनीथिंग एक्स वाई जेड पर्सनल प्रोफेशनल व्हाटएवर प्लानिंग. नाउ कमिंग बैक टू दिस, व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए, I had my attempt of CS as well as CA. CA का मेरा नवंबर में अटेम्प्ट था, दिसंबर में मेरे CS के एग्जाम्स थे. And my father met with an accident in June. We had a scooter, पापा के पास स्कूटर होता था. पापा स्कूटर से शॉप जा रहे थे और करोलबाग में शॉप थी पापा की उस टाइम पे. पीछे से कार वाले ने आके स्कूटर को हिट किया, पापा हवा में फिर नीचे एंड ही ब्रोक हिज रिब्स. उनकी रिब्स टूट गई. पहले हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहां से फिर उन्होंने घर भेज दिया कि जी हमने इसमें कुछ नहीं करना, प्लास्टर हो नहीं सकता, रिब्स हैं, रिब्स, रिब केज आपको पता है, प्लास्टर हो नहीं सकता, इसमें कुछ हम लगा तो सकते नहीं, जस्ट सेट करके छोड़ दिया है. अब ये दो तीन महीने इनको लगेंगे ही लगेंगे कम से कम. एंड माई फादर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज द सोल अर्निंग मेंबर फॉर आर फैमिली. और उस टाइम पे माई फादर यूज टू क्राई बिकॉज ऑफ पेन, नंबर वन. नंबर टू, इवन बिकॉज ऑफ की दुकान कैसे खोलेंगे, घर में इनकम कैसे आएगी, हाउ विल वी बी एबल टू यू नो पे द किड्स स्कूल फीस, मतलब जो भी अपना अपन स्कूल में तो नहीं थे. तो भाई बच्चों का कैसे होगा, क्या होगा, सेविंग्स ईट अप हो जाएंगी, दिस दैट, इलाज में भी पैसा जा रहा है. एंड ही वॉज टेंस्ड एंड ही वॉज यू नो एंड दैट वॉज अ टाइम आई हैड माई एग्जाम्स of CA in November, CS in December. And I was prepared for my exams. I was, you know, almost done with everything. Now I was to revise. I was to start revision. Just शुरू होने वाली है और ये हालात थे और मेरा दिमाग हो गया था खराब कि यार भाई ये क्या है. I was not able to handle it. क्योंकि घर में हर टाइम पापा परेशान बेड पे, मम्मा इज टेकिंग केयर ऑफ हिम. कुछ छोटे मोटे काम, कुछ भी ये कर दे वो कर दे, मैं भी लगाऊ, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा पढ़ाई पे. एंड आई टॉक टू माई फादर, मैंने कहा पापा मैं सीएसएस छोड़ रहा हूं, आई वॉन्ट टू लीव इट, आई विल गो टू द शॉप. क्योंकि अगर मैं अभी इतना प्रिपेयर्ड हूं, मेरे से इस माहौल में मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, काम सारा दिमाग का है, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा. मैं छोड़ रहा हूं, मैं जाके दुकान पे बैठ रहा हूं, लेकिन फिर उसके बाद फिर से पेपर की तैयारी करूं और रिवीजन करूं मेरे बस की नहीं है. आई कैन गिव माई बेस्ट एफर्ट एंड आई विल क्लियर माई एग्जाम्स. माई फादर सेड यू कैन गिव योर बेस्ट एफर्ट, यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स. यस, फॉरगेट एवरीथिंग, तू बता तेरे को क्या चाहिए. आई कैन नॉट स्टैंड अप, बट तू बता तेरे को क्या चाहिए. मैंने कहा पापा आई डोंट वॉन्ट टू स्टे एट होम बिकॉज आई कैन नॉट सी यू एवरी डे एंड कॉन्सेंट्रेट. डॉक्टर कह रहे हैं आप ठीक हो जाओगे, मेरी जरूरत यहां नहीं है, बट मैं यहां होता हूं तो मैं परेशान रहता हूं.
अगर आप मेरे को चाहते हो कि मैं ये करूं और मैं श्योर शॉट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूंगा, लेकिन पापा मुझे प्लीज सेंड मी समवेयर, मैं चाचा जी के यहां जाके रह लेता हूं। पापा ने कहा ठीक है बात कर ले। आई कॉल्ड अप माई चाचा जी, आई सेड आई विल स्टे विद यू बट माई कंडीशंस आर, मैं सुबह 6 बजे से पहले पहले आपके घर से निकल जाऊंगा, क्योंकि उनके घर के पास में थी लाइब्रेरी, मैं आपके घर से सुबह सुबह निकल जाऊंगा और रात को 10 बजे आऊंगा। आई वॉज नॉट गिविंग माई सेल्फ एनी एक्सक्यूजेस टू फेल और फॉल, क्रॉस माय हार्ट एंड होप टू डाई। मेरे से घर रह के बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं वहां जाके आई हैड एक जुनून जिसे कहते हैं पागलपन, कि भाई यही है इसी बार करना है। बुद्ध ग्रुप्स ऑब्वियसली दिए थे टचवुड, मेरा रिजल्ट वाला दिन था, मैं आपको बता रहा हूं, क्रॉस माय हार्ट एंड होप टू डाई। उस टाइम पे भाई 90s की बात है, आप लोगों ने भी सुना होगा सीए का रिजल्ट 1-2% होता है, 1-2% होता है, कुछ नहीं बकवास है। 22% का सीए फाइनल का इस बार का अटेम्प्ट, 22% का पिछली बार का, देख लो ऑनलाइन 22% इन सीए फाइनल। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, उस टाइम पे होता था भाई 7-8% के आसपास तक रिजल्ट आता था, 7-8%, मैंने भी यही सुना था 1-2% बकवास, बट 7-8%। एंड व्हाट हैपेंड ऑन द डे ऑफ माय रिजल्ट, आई वाज इन माय ऑफिस, सीए ऑफिस, मैं ऑफिस में था, मॉर्निंग पहुंच चुका था, वो जमाना विदाउट इंटरनेट का जमाना था, कोई इंटरनेट इंटरनेट नाम की चीज नहीं होती थी, हमें फिजिकली जाना पड़ता था, या तो आईटीओ आओ या जहां आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर लिस्ट आती थी, प्रिंटेड लिस्ट, कि आप पास हुए या फेल हो। सीए इंस्टीट्यूट से बंदा आता था, आप रोल नंबर बताते थे, वो रोल नंबर ढूंढ के आपको बताता था आपके मार्क्स, आप मार्क्स लिख लो एंड सो ऑन। आई वॉज इन माई ऑफिस, My senior came, knocked on my shoulder. ओए तेरा तो आज रिजल्ट है, तू यहां क्या कर रहा है? ऑफिस वाले, ऑफिस में कौन आता है रिजल्ट वाले दिन? नहीं क्या है तू यहां पे कर क्या रहा है? मैं कहा काम कर रहा हूं। तेरी टेंशन नहीं हो रही? मैं कहा नहीं। रिजल्ट है तेरा आज? मैं कहा पास तो हूं ही। कहते हट, उसके देख 6 अटेम्प्ट लग गए हैं, 7वां है इस बार, देखेंगे उसका भी रिजल्ट, 6 अटेम्प्ट हो गए हैं भाई, उसमें और मेरे में फर्क है। व्हाट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल? सेल्फ बिलीफ। आई हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड इट वाज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, इट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। यू नो व्हाट यू हैव टू डू एंड यू नो हाउ टू गेट देयर, सिंपल। My senior took me to that place of result, center जो बाजू में था, पूसा रोड पे एग्जाम सेंटर होता था, वहां गए हम लोग, वहां जाके रिजल्ट लिया। हाँ भाई आशीष कलरा, ये ही गेव ऑल द मार्क्स, बोध ग्रुप स्वास मिठाई खिलाओ। वो ऐसे ही भाई सीए इंस्टीट्यूट में वो लोग सरकारी नौकरी की तरह ऐसे ही जवाब देते हैं। And my senior was shocked and astonished. यार तेरा तो मतलब तुझे पहले ही पता था तू पास हो जाएगा, यहां तो मतलब नहीं बनता। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं, the thing is pass या rank। देखो मेरे जमाने में मेरे पास मेरे जैसे टीचर नहीं थे, मैं साफ बता रहा हूं। I did not have a faculty like me, I did not have a guide like me, grace of God। और आपको जो maximum, आपको जो यहां पर जो faculty पढ़ाने वाले हैं, most of the faculty are my students। जो आपको टैक्स पढ़ाएंगे सर, मेरे से इंटरमीडिएट फाइनल में विजेंद्र सर पढ़े हुए हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई ब्रॉट हिम अप टू टीच एंड गाइड। सिमिलरली लॉ हर्ष सर, मैं उनकी जॉब छुड़वा के उनको लेके आया, इनकी भी एमएनसी में जॉब लग गई थी, उनको भी यहां लेके आया। नहीं भाई, यू कम ओवर हियर एंड गाइड, लेट्स गाइड द स्टूडेंट्स टुगेदर। आपके फाउंडेशन के बहुत सारे फैकल्टी, हमारे यहां जो फाउंडेशन के फैकल्टी है मैक्सिमम ऑफ देम आर अगेन, जो लोग भी
CA stream से linked हैं, वो मेरे students हैं, grace of God. Now coming back to this, what I am talking about is what's the first success mantra? Self belief. और मैं आपको cross my heart and hope to die कसम से बोलूंगा, मैं क्या करता था, मैंने अपने जितने भी रजिस्टर्स बनाए थे जिनमें मैं काम करता था, मैं उन सभी रजिस्टर्स के आगे एफ सी ए आशीष कालरा ये लिखता था भाई. बाद में जो है फेलो सीए होता है, आपको बताओ सबसे पहले ना एसीए बनता है बंदा, एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. जैसे ही क्वालिफाई करता है उसके आर्टिकल चिप हो गई वगैरह, रजिस्टर ऑफ जैसे मेंबर्स हैं ऑफ सीए इंस्टीट्यूट, उसमें जब एंटर होता है तो पहले वो एसोसिएट बनता है, 5 साल से ज्यादा हो जाते तो वो फेलो बनता है. बट आई वॉज टॉकिंग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वंस अगेन आई एम सेइंग टू यू, आई कैन आई विल. आप कोई भी चीज सोचते हो, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल. यू बिलीव एनीथिंग इज पॉसिबल. आई यूज टू हैव दिस इज कॉल्ड अफर्मेशन. अफर्मेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं आप लोगों को आज अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दूंगा, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जितनी भी आप लोगों की बुक्स हैं, आप लोगों के रजिस्टर्स हैं, आपका जो भी नेम है उस नेम के आगे अफर्मेशन, यू स्टार्ट बिलीविंग कि ये तो है. मैं पता है मैं क्या कहता था, मैं कहता था मैं तो सीए हूं, बस मुझे सीए इंस्टीट्यूट को बताना है कि हूं, उनके एग्जाम देने हैं, पास तो मैं हूं. इतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उतनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि बात क्या है, सारी दुनिया क्या कहती थी, सीए का रिजल्ट तो 1% 2% होता है, तू होगा हट. एवरीबडी यूज टू से, एंड 1-2% नहीं होता, परसेंटेज ज्यादा है. नंबर एक, आई एम वन ऑफ द फर्स्ट 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में. आपको यह बता दूं, सीए इंस्टीट्यूट को पैदा हुए 74 ईयर्स हो चुके हैं. इस 74 ईयर्स में से फर्स्ट 54 ईयर्स में 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं थे, 1 लाख से कम थे. मैं इस में हूं, मेरा मेंबरशिप नंबर 99883 है, आई एम जस्ट बिफोर 1 लाख. और उसके बाद 52 ईयर्स, नेक्स्ट 22 ईयर्स, अगले 22 साल में 2.5 लाख से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं. और टचवुड, इनमें से नॉट लेस देन 10% आर माई स्टूडेंट, नॉट लेस देन 10%, टचवुड. आपका सीए इंस्टीट्यूट में एनआईआरसी है, उस एनआईआरसी में 13 मेंबर्स हैं जो कि पूरे नॉर्दर्न रीजन से चूज होते हैं, टचवुड, उनमें से 4 मेरे स्टूडेंट्स हैं, 4 आर माय स्टूडेंट्स हु आर एनआईआरसी मेंबर्स, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. एंड यू नो व्हेन आई मेट देम दैट यू गाइस आर कंटेस्टिंग, दे गिव सच अ रिस्पेक्ट. आज इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, से दे गिव सच लव एंड रिस्पेक्ट, इट्स अमेजिंग. सो एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस वंस अगेन, व्हाट्स द थिंग, अफर्मेशन, सेल्फ बिलीफ, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अच्छा, होगा क्या, आपके आसपास के लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, जो भी आप लोगों को कोई ना कोई लोग देखेंगे. देखो मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो, जैसे अगर YouTube पे लाइव टेलीकास्ट हो रही है, अभी आप लोग यहां पर मेरे साथ फिजिकली हो, हमारे ऐप पे, हमारे IGP लाइव ऐप पे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, तो देयर विल बी स्टूडेंट्स हु विल बी अप्रिशिएटिंग, एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी टॉकिंग शिट. दोनों तरह के लोग होते हैं. तो मैं क्या बोलूंगा, पीपल हु आर नोटिसिंग यू, अब जो लोग भी देख रहे हैं वो आपको नोटिस कर रहे हैं, अपना टाइम तो लगा रहे हैं ना यहां पे. पीपल who are noticing you, they are always categorize these people in 2 categories. Do categories mein baantna in logon ko. Number 1, the people who love and care for you.
जो आपसे प्यार करते हैं और जो आपकी केयर करते हैं. और दूसरा, देयर विल बी पीपल, क्योंकि दो तरह के लोग कमेंट्स देंगे, दूसरे दोज हु आर जेलस ऑफ यू. मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, ऐसा है, दोज हु लव एंड केयर फॉर यू, यू वॉक ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड मेक देम प्राउड. यू वॉक ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड मेक देम प्राउड. दे लव यू, दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू, दे विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू. एंड द पीपल हु आर जेलस, यू वॉक ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड मेक देम मोर जेलस, मेक देम मोर जेलस. इट इज गुड. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात कहूंगा, देखो दोस्तों, सक्सेस इज अ जर्नी, सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन. क्या जी, मैंने ये कर लिया बस सक्सेस हो गया खत्म. नो सॉरी, इट्स अ जर्नी, यू हैव टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. सो द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई एम टेलिंग यू इज सेल्फ बिलीफ. Extremely important ingredient, आज ध्यान रखना, आप लोगों को सेल्फ बिलीफ रखना है. और साथ में मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा यार, पीपल हु नो मुकेश अंबानी, दे आर प्राउड ऑफ हिम. दोज हु लव हिम एंड केयर फॉर हिम, दे आर प्राउड ऑफ हिम. ही इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. इतना बढ़िया घर, इतने बढ़िया याक्ट, इतने बढ़िया प्राइवेट प्लेन्स, वाओ, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. And there will be people who will be noticing him and jealous of him. Inki jealousy ke karan, does he stop working? No. He becomes more successful. He makes them more jealous. Bhai, tumhare andar hai to tum kar lo. Badi simple si baat hai. So, anyhow, once again, extremely important. To maine aapko kya baat boli? Affirmation karo. Affirmation. What is affirmation? मैं आपको आज आपको सिंसियरली बोलूंगा, आज क्लास खत्म होने से पहले आपके जो रजिस्टर्स हैं, आपकी जो भी बुक्स हैं आपके पास, मेरा सजेशन है, प्लीज अपने ना विजिटिंग कार्ड मत छपवा लेना FCA और आपका नेम. नो, FCA अपना नेम लिखो इनके ऊपर. आप ये इंस्टा पे भी मत खोल लेना कौन, हाँ मैं तो FCA के नाम से खोल लिया. नो, दैट इज अ मिसकंडक्ट, यू कैन नॉट डू दैट. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, एज पर CA इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस यू कैन नॉट डू दैट. उनको पता चलेगा तो दे कैन टेक अ पीनल एक्शन अगेंस्ट यू. आप अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, राइट? आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ व्हेन आई वॉज राइटिंग दिस FCA. तो FCA और अपना नाम लिखो, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नंबर वन. नंबर टू, आप में से कोई है जो कि आज तक कभी भी किसी को प्यार हुआ हो, एनीबडी हु हैज फेल्ट लव रेज योर हैंड. आज तक किसी को भी, एनीबडी हैज फेल्ट लव रेज योर हैंड. आई हैव फेल्ट लव, यस आई फील लव, यस मुझे प्यार हुआ है, गुड. सो मैं कह सकता हूं यहां पर 10% ऑफ द क्लास अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, अपने सिबलिंग से प्यार करते हैं, है ना जी. ऑलमोस्ट मुश्किल से 10% जो है अपने कोई फ्रेंड से प्यार करते हैं, अपने पेट से प्यार करते हैं, बाकी 90% भाई सर प्यार का मतलब वो थोड़ा ना होता है, प्यार तो वो वाला प्यार होता है. लव, सिंपल सी बात. अब मैं फिर से ये सवाल रिपीट करूंगा, शायद आपको समझ में नहीं आया था. कितने लोगों को आज तक कभी भी, हां जी आई हैव लव्ड समबडी एंड आई एम लविंग समबडी, ऑनेस्टली रेज योर हैंड. ओके, 99%, कोई बात नहीं, आपको नहीं है ना, यू डिड नॉट रेज हैंड ना, इट इज ओके. कुछ लोगों का पत्थर का दिल होता है,
सभी इंसान नहीं होते. अच्छा, इट इज जस्ट फॉर फन, नथिंग डूइंग. वो आलसी है, वो कहता मैं रिजाइन नहीं करता, सुबह सुबह हाथ उठवा लोगे मेरे से, मैं नहीं करता. अच्छा खैर, एनी आई लीव दैट. नाउ कमिंग बैक टू दिस, यू सी, whomsoever यू लव द मोस्ट, जिससे भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, योर मॉम, योर डैड, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, योर पेट, जिससे भी आप सबसे ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हो, अगर आप सक्सेसफुल हो गए, विल दे बी हैप्पी? गुड. सो यू हैव टू राइट इन योर बुक्स, ईच एंड एवरी बुक, ईच एंड एवरी रजिस्टर, यू हैव टू राइट व्हाट? यू हैव टू राइट एन अफर्मेशन. आई विल मेक माई हूसोएवर इट इज मॉम, डैड, फ्रेंड प्राउड ऑफ मी. अगर आपका स्कोरिंग रैंक है ऑब्जेक्टिव, तो स्कोरिंग रैंक, यू हैव टू अफर्मेशन, आपको रखनी पड़ेगी अफर्मेशन. या एज द केस में बी, पासिंग माई एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपके लिए, आपके पास एक ही अटेम्प्ट है सीए का, मैं साफ बोल रहा हूं, आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं है, एक अटेम्प्ट दोगे उसी में क्लियर करना है, और उसका प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे पहले अटेम्प्ट में आपने क्लियर करने अपने एग्जाम्स. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मम्मा से बोलते हो, मॉम आई विल स्कोर ऑल इंडिया रैंक वन, या आई विल पास. आप जाके प्लीज, ये अफर्मेशन टू योर सेल्फ है, यू अफर्मेशन लव्ड वंस के नाम पे, आई विल मेक देम प्राउड, मेक देम प्राउड ऑफ मी. और जो नोटिस कर रहे हैं, एंड दोज़ हू आर जेलस ऑफ यू, उनको तो जेलस करेंगे, हमारा फोकस उनके ऊपर नहीं है, हमने तो सक्सेस पानी है, वो जेलस होते होते रहे, हमने अपने लव्ड वंस को मेक देम प्राउड करना है, उसके आपने अफर्मेशन लिखनी है. और यही नहीं, यही नहीं, यू विल कम्युनिकेट टू देम. आज ही आप अगर फर्मली डिसाइड कर लो, रैंक तो रैंक, पास तो पास, यू विल कम्युनिकेट टू देम. आप उनको बोलोगे कि जी, आई विल गेट दिस एंड आई विल मेक यू प्राउड. जैसे मॉम आई विल स्कोर ऑल इंडिया रैंक वन, या आई विल पास माई एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, श्योर शॉट गारंटेड. When you start speaking these words, when you start writing these words, that's the first thing, affirmation. Then you start acting in that manner. जब आप वो बोलना और मानना शुरू कर देते हो, तो उस चीज को अचीव करने के लिए आप काम करना शुरू कर दोगे. बड़ी सिंपल सी बात है. अगर आप किसी को बोलते हो मैं जिम जा रहा हूं, जिम जा रहा हूं, जिम जा रहा हूं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं दे विल सी सम चेंज इन यू फिजिकली इन अ कपल ऑफ डेज, मंथ्स टू कम. When you say these words to others, it means they are expecting. And when they are expecting, you work harder. Loved ones ko proud karane ke liye, you have to work hard. Anyhow, this is extremely very, very important. So, set your goals. It is very, very important. Each and every one of you, set your goals. Aapka pass ka goal hai, pass ka goal rakho. Aapka rank ka goal hai, rank ka goal rakho, as the case may be. Achha, ab main aap logon ko वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगली चीज बोलना चाहूंगा. दोस्तों सुनो मेरी बात. देखो, बचपन से मेरे पिताजी से मैं एक चीज सुनता आ रहा हूं, आप लोगों ने भी शायद सुनी हो, टीचर्स भी बोलते हैं बी सीरियस इन योर स्टडीज. कितने लोगों ने आज से पहले कभी यह सुना हुआ, बी सीरियस इन योर स्टडीज, बी सीरियस इन योर स्टडीज? सुपर मेजॉरिटी भाई आलसी. ठीक है, कूल. एक वहां खोपचे में भी दिखा था मेरे को, अब मैं तो देख ही नहीं रहूंगा. तो एनी हाउ, देखो गाइस, दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सीरियस इन योर स्टडीज. आई हैव नेवर बीन सीरियस इन माई स्टडीज. डोंट बी सीरियस, सो सॉरी. मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं, आपको कोई काम सीरियसली करने को कहा जाए, डू यू थिंक यू आर एंजॉइंग इट? सीरियसली ये मूवी देख ले,
सीरियसली ये कार्टून देख ले, सीरियसली वीडियो गेम खेल ले। नो सीरियस मींस यू आर नॉट एंजॉइंग। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई एम सिंपली सेइंग दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एंजॉय। इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू आर सीरियस यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। अगर आप सीरियस हो आप वो काम कर ही नहीं पाओगे ज्यादा समय तक, क्योंकि आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो प्लीज नेवर बी सीरियस इन योर स्टडीज, सो सॉरी, बी सिंसियर इन योर स्टडीज। दिस इज द नेक्स्ट मंत्रा दैट आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स। जो लोग भी कभी मेरा फाउंडेशन का स्टूडेंट, हमारे यहाँ के फाउंडेशन के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको मैं ये मंत्रा पहले बता चुका हूँ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अ कोट दैट आई फॉलो दैट आई रोट लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक, बी सिंसियर एंड नॉट सीरियस इन लाइफ। किसी भी चीज में आपका रिलेशनशिप, हैव अ सीरियस रिलेशनशिप। अबे सीरियस है तो एंजॉय नहीं कर रहे आप रिलेशनशिप को, बी सिंसियर इन योर रिलेशनशिप, एंजॉय द रिलेशनशिप, सिंसियरिटी के साथ एंजॉय करो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग, इन योर स्टडीज, इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप्स, एनीथिंग, यू नीड टू बी सिंसियर नॉट सीरियस। सीरियस मीन्स यू आर नॉट एंजॉइंग एंड दैट इज वेरी वेरी बैड, एंड दैट इज वॉट आई विल से, दैट इज वॉट आई विल से, बी सीरियस वाइल स्टडिंग। सॉरी आई डोंट बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन दिस एक्सप्रेशन, बी सिंसियर वाइल स्टडिंग, एंजॉय योर सेल्फ, एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सेट योर गोल्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बोलूंगा, नाउ दैट आई एम ऑफ अ पर्टिकुलर एज व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई एम डूइंग इट, आपको बताना चाहूंगा, मेरे जिगरी आ रहे हैं who retired in 2015. He was also teaching with me. हम लोग एक साथ पढ़ा रहे थे. My very dear friend, CA Ajay Jain, he retired in 2015. And frankly speaking, he's traveling the world. He's traveling the world. In some of the trips, I am also there with him. Rather many of the trips, not all. अभी वो जैसे लंदन मैं नहीं हूं, आपकी क्लास है तो मैं आऊं, anyhow. So the thing is, you need to have personal goals. आपके अपने set करो personal goals, be it traveling, be it your physical health, whatever as the case may be. आपके personal goals आप set करो. आप अभी तो वैसे most of you probably single होगे, but कभी couple बन जाओगे तो couple goals भी होते हैं, आपके हैं या नहीं है, मेरे हैं, मेरे हैं, सिंपल है ना, आपके नहीं है, गुड। जब कपल बन जाओगे तो कपल गोल्स भी होने चाहिए और प्रोफेशनल गोल्स भी होने चाहिए, तो आपके अलग अलग गोल्स होने चाहिए। मेरे हैं, आई वॉन्ट टू ट्रेवल, आई वॉन्ट टू स्टे फिट, पर्सनल गोल्स हैं। कपल गोल्स, यस आई वॉन्ट टू गिव टाइम टू माई वाइफ एंड यू नो if possible travel around with her and so on, and last but not the least, professional goals, yes I want to teach, I want to mentor, I want to guide, and I want to work very hard for it. I have been doing that and I will continue to do that, but in my own way, unique way. Now coming back to this, isi tarike se aap abhi kyunki class mein hai to aapke ye wale goals nahi hai, to maine apne goals bataye, aap apne goals set karo, aap apne goals set karo. Pehla goal setting kya hai, ya to pass hona hai ya rank, pass in first attempt ya rank, number 1. Number 2, ab pass hona hai ya rank lani hai to uske liye aapko marks bhi goal rakhne padenge, itne marks chahiye, itne marks chahiye mujhe, aur fir uske baad marks itne lane ke liye aapka course itne time tak over jana chahiye, और कोर्स इतने टाइम तक ओवर जाने के बाद इतने टाइम पे आपको रिवीजन करनी है और इतनी नंबर ऑफ रिवीजन्स करनी है। यू नीड टू सेट गोल्स, दिस इज नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं आपको ना सिंपल बात बोलूंगा, आज क्लास के एंड पे ईच एंड एवरी रजिस्टर्स जो भी आप बनाओगे, मैं अभी पढ़ाना बस शुरू करने वाला हूं इन अ वाइल, मुझे पता है कि भाई हाफ सेशन मेंटोरिंग और हाफ सेशन
आज का इनिशियल लेक्चर्स में मैं थोड़ा सा, क्योंकि बताना इसलिए चाह रहा हूं, ज्यादा ज्ञान देना चाह रहा हूं कि आप अभी से माइंडसेट रखेंगे मैं सीधा पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आप सिर्फ एज एन ऑर्डिनरी क्लास, ऑर्डिनरी सब्जेक्ट, ऑर्डिनरी जैसे आप पढ़ते आ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहोगे तो नहीं होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सेट गोल्स. मैंने आप लोगों को यहां पर रिजल्ट्स अभी दिखाए, अदरवाइज भी आप लोग को पता है, आप अगर हमारे YouTube चैनल पे जाते हो वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, फीडबैक्स एक्सेट्रा हैं. आप अपने गोल्स सेट करो भाई. कोई अगर 100 में से 100 ला चुका है आप भी लाने की सोच सकते हो, आप 90 सोचते हो 90 सोचो, 95 सोचते हो 95 सोचो, वॉट एवर, सेट योर गोल्स. यू वॉन्ट टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यू वॉन्ट टू स्कोर अ रैंक. आपने ये गोल बनाना है और इसको लिखना है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखा हो तो वो एक आइडिया है. आइडिया इज नॉट अ प्लान. You need to make a plan for that. तो पहला गोल, गोल सेटिंग सबसे पहली चीज है, या तो पास होना है या रैंक लानी है, नंबर वन. और फिर जैसे अगर आप CMA का बात करते हैं तो CMA में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में आपको कितने मार्क्स लाने हैं उसका टारगेट आपने गोल लिखना है कि भाई मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, और उस हिसाब से फिर आप अपनी प्लानिंग करेंगे कि ये मार्क्स लाने के लिए या ये रैंक या ये पास होने के लिए मेरा कोर्स कब तक खत्म होना चाहिए और मेरी रिविजन्स किस हिसाब से होने चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मैं वंस अगेन फिर से बोलना चाहूंगा, व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, बिलीव इन योर सेल्फ. एज आई टोल्ड यू, FCA, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अपने नाम के आगे लगाएं अपने रजिस्टर्स के लिए, रजिस्टर्स के अंदर. एंड देन Make a written plan. Plan your work and work your plan. It is extremely important. Each and every one of you, make your written plans. मैं आपको बताऊं, आपका जो बैच पढ़ाना है मैंने, मैंने उसका रिटर्न प्लान बनाया हुआ है. किस दिन क्या कराना है मैंने, इस दिन ये कराना है. आज का मैंने मेंटोरिंग प्लस इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा सा ये लिखा हुआ है अपना. Make written plans. It's extremely important. आप अपने प्लान्स बनाओ, और प्लान्स भी ना दो तरह के बनते हैं, मतलब डिपेंड करता है, लोग एक ही तरह के प्लान बनाते हैं, मैं बनाता हूं दो तरह के, जिसे मैं कहता हूं मिनी मैक्स प्लान. मिनी मैक्स प्लान जैसे मैं आप लोगों को आज शेयर कर देना चाहूंगा, मिनी मैक्स. आपका सब्जेक्ट जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मिनिमम आई विल टेक 80 लेक्चर्स, मिनिमम, कम से कम, मैक्सिमम आई विल टेक 96 लेक्चर्स प्लस 20%. इससे कम में मैं कंटेंट करा नहीं सकता. मैं अगर मेंटोरिंग को काटता जाऊं मैं कहूं सिर्फ पढ़ाना है तो भी मुझे 80 के आसपास लेक्चर लग जाएंगे. बट आपकी मेंटोरिंग भी करूंगा, आपके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस देन एंड देयर. मैं आपको पढ़ाने के तरीके के बारे में बताना चाह रहा हूं, मैं कैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको बता देता हूं. मैं आपको कॉन्सेप्ट्स समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, थियोरी आपकी बुक में दी हुई है, बट थियोरी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ एंड जो प्रैक्टिकल है उनकी इक्वेशन समझाते हुए, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद जिस टाइम पे मैं समझा रहा हूं उस टाइम पे मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं कहूंगा सिर्फ मेरे से कनेक्टेड रहो, ओनली एंड ओनली कनेक्ट विद मी, माय माइंड एंड योर ब्रेन. सिंपल सी बात, जैसे होता है ना वाईफाई, कनेक्ट कर जाओ मेरे साथ, मेरा वाईफाई का ये माइंड और आपका फोन जो आपका दिमाग है वो कनेक्ट कर लो, सीधा यहां पर कनेक्ट कर लो, अपना डिवाइस मेरे साथ कनेक्ट करो. नंबर वन, थ्योरी और इक्वेशन आई विल मेक यू राइट. I will be dealing with practical problems. मेरा जो पेपर है ना 100 मार्क का प्रैक्टिकल आ रहा है, तभी 100 में से 100 आ रहे हैं, 100 मार्क का प्रैक्टिकल आ रहा है. एक थ्योरी क्वेश्चन आता है जो कि चॉइस में निकल सकता है, there is a choice question, last question, I'll be talking about that in a while. तो मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि जी सर ने सिर्फ प्रैक्टिकल, मैं पूरा आपको 125 मार्क्स का अगर आना है तो मैं आपको पूरा उतना तैयार कराऊंगा. 125 का आना है तो 125 की तैयारी कराऊंगा मैं. लास्ट क्वेश्चन में एक्चुअली एक इंटरनल चॉइस भी होती है, इन पांच में से चार कर लो, टू एनी फोर,
शॉर्ट नोट्स का आता है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जनरली थियोरी होता है, कभी कभी उसमें भी एक आधा प्रैक्टिकल डाल देते हैं वो लोग, बट जनरली वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो थियोरी होता है, और उस थियोरी क्वेश्चन में यू हैव टू डू एनी फोर आउट ऑफ दी फाइव. एनी हाउ लेट्स नॉट गो इन टू दैट. अभी मैं बोल रहा था मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एनिमेशन दिखाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, केस स्टडीज दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली आसपास में देखते हैं, या आपकी लाइफ से कनेक्ट कर दूंगा, और फिर उसको एक्सप्लेन करने के बाद, डीपली समझाने के बाद, आई विल मेक यू राइट द थियरी एंड आई विल मेक यू राइट द इक्वेशन. नंबर वन. नंबर टू, क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं, वो दो तरह के हैं. एक क्लासवर्क क्वेश्चंस, एक होमवर्क भी मैं आपको दूंगा. इनिशियल क्लास में मैं नहीं दूंगा होमवर्क, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल खास नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक्स ले रहे हैं, थियरी ले रहे हैं. तो इनिशियल में मैं आपको, नो डाउट्स अबाउट इट, थोड़ा सा अभी मेंटोरिंग चल रहा है, कल मेंटोरिंग का पार्ट कम हो जाएगा, थियोरी का पार्ट ज्यादा हो जाएगा. तो व्हाट विल हैपन इज, सुनिए मेरी बात, क्लासवर्क में जो आपने क्वेश्चंस करने होंगे, मैं आपको हर बार, टेक एन एग्जांपल, मैं कहता हूं प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर वन, यू विल रीड द क्वेश्चन, आई विल गिव यू एडिक्वेट टाइम टू रीड इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से अगर उस क्वेश्चन में 2 मिनट में आप पढ़ सकते हो, तो मैं 2 मिनट प्लस 10% के आसपास आपको दे दूंगा कि भाई इतने में कर लो, भाई प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, एंड आई हैव अ टारगेट कि ओके जी इतने में आपको ये पढ़ लेना चाहिए था, उसमें 5-10% मार्जिन ऐड करके मैं आपको रीड करने दूंगा. यू रीड द क्वेश्चन योर सेल्फ, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, किसी ने भी, मैंने आपको वो 2 मिनट दिए, आपको चलो ब्रेक मिल गया, बुक बंद कर और अपने ख्यालों ख्वाबों में सोचने लग जा कल की मूवी में क्या था. नहीं, यू हैव टू रीड दैट क्वेश्चन. आई गिव यू द टाइम टू रीड द क्वेश्चन, यू रीड द क्वेश्चन. डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डीपली, जस्ट रीड इट लाइक अ स्टोरी, जितना समझ में आ रहा है आ रहा है, ऐसी कहानी जितनी समझ में आई आई, कोई बात नहीं, बिकॉज नेक्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन, एंड रीड करते करते I will explain it. Or most of the cases mein, 95% of the cases mein, main aapko question padhate padhate hi, aage chalke ye aapki practice mein 100%, shuruaat mein main actually thoda sa itna zyada nahi karunga, kyunki you may not be habitual to that type of study. Ki पहली बार नहीं पढ़ना, एक बार में कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, कभी भी माइंड योर क्वेश्चन. आपने सुना था ना, सर कहते हैं दूसरी बार पढ़ो, मैं बोल रहा हूं दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला. यू कैन नॉट जस्ट रीड इट एंड अटेम्प्ट इट, नो, रीड इट वंस देन रीड इट ट्वाइस. उसकी जड़ तक जाना है, उसको समझना है, उसको इंटरप्रेट करना है ढंग से सेकेंड टाइम में. पहली बार जस्ट पढ़ लेना है, दूसरी बार में उसको इंटरप्रेट करना है. तो आई विल एक्सप्लेन, आई विल हेल्प यू इंटरप्रेट, और उसी में मैं आपको इतनी कैपेबिलिटी ला दूंगा. यहां पर कई सारे हम प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं इंटरप्रेट करते करते उन क्वेश्चंस को यहीं पे सॉल्व कर दूंगा 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते. एंड आई वॉन्ट दिस कैपेबिलिटी टू इनकलकेट इन यू, कि आप प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ ली, उस टाइम पे नहीं लगाया मत्था, फॉर्मूला सुन लो मेरी बात, पहली बार में ही पढ़ोगे ना, कई बार पढ़ते पढ़ते अगर आपने कोई चीज गलत पढ़ ली, गलत फिगर, तो आपके दिमाग में वो वही चीज आप गलत तरीके से सॉल्व कर लोगे. यू हैव टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन सेकंड टाइम, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप पहली बार देखते हैं, जैसे आप लोगों ने वो इंस्टा पे कोई वीडियो देखी होगी, लड़का और लड़की डांस कर, सॉरी सिर्फ लड़की डांस कर रही है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को दिखाती है, कैसी है वीडियो, हाँ अच्छा बता पीछे कार कौन से कलर की थी, कहते ये पूछ ले उसने पहना क्या था, ये पूछ ले उसने स्टेप, उसके बाल 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 किस तरीके से बने थे, ये मत पूछ पीछे गाड़ी कौन सी खड़ी थी, उधर तो ध्यान ही नहीं गया. तभी कहते हैं सेकेंड टाइम में देखने के बाद फिर अटेम्प्ट द क्वेश्चन. पॉइंट क्या है, रीड वन टाइम यू
सेकेंड टाइम आई विल रीड एंड इवेंचुअली शुरू में मैं हर सवाल में नहीं करूंगा, मैं जानबूझ के नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है यू आर नॉट यूज टू दैट प्रैक्टिस, आपने वो प्रैक्टिस की नहीं है और मैं आप लोगों को आपके कैलकुलेटर्स पे बड़ी से बड़ी एक एक पेज दो दो पेज तीन तीन पेज के क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कैपेबिलिटी सिखा दूंगा, बट दैट विल टेक टाइम इवेंचुअली। अच्छा फिर मैं रीड करते हुए इसको इंटरप्रेट करूंगा, जिन्हें उस टाइम पे समझ में आ जाएगा ग्रेट। मैं उम्मीद करता हूं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्लास को इसी बार में समझ में आ जाएगा, बट 50% को नहीं आएगा, घबराओ मत, मैं फिर रिपीट करूंगा, आई विल रिपीट, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ते हुए उसको अटेम्प्ट करवाऊंगा, मैं कहूंगा आओ लिखते हैं मेरे साथ, यू एंड आई बोथ विल सॉल्व द प्रॉब्लम बाय राइटिंग। किसी किसी सवाल में अगर कोई छोटा सवाल होगा तो मैं ही पहले लिख दूंगा, चल यार ये है, फिर मैं कहूंगा कॉपी कर लो, बट काफी सारे सवालों में मैं कहूंगा आओ मेरे साथ साथ करो। एंड आफ्टर आई डू दिस, देखो एक बार मैंने समझाया पहले 50% को समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे 60% 70% 80% 90% और अल्टीमेटली जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे ऑलमोस्ट 100% ऑफ द क्लास को इसी बारे में समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जब आपको इसी बारे में समझ में आना शुरू हो जाएगा, ये प्रैक्टिस आप खुद के लिए भी फॉलो कर पाओगे कि आप क्वेश्चन एक बार पढ़ा दूसरी बार पढ़ा और आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर पा रहे हो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। एनी हाउ तो आई विल मेक यू राइट एंड देन आई विल आस्क यू डू यू हैव एनी डाउट्स एंड देन यू विल रेज योर हैंड्स और एल्स यहां पर जो वर्चुअल स्टूडेंट्स है वो मेरे पास टाइप करके भेजेंगे कि सर मुझे ये वाला डाउट है, आपको होगा तो आप रेज हैंड करेंगे, आप माइक पे पूछेंगे ताकि सारी दुनिया उस चीज को सुन सके। ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी हमारे साथ लाइव में वर्चुअली कनेक्टेड है या रिकॉर्डेड में भी होंगे कनेक्टेड, वो लोग भी आपको सुन सकें सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डाउट यू हैड इन योर माइंड एंड व्हाट आंसर आई एम गिविंग। एंड मेरा आंसर देने का जो क्वेश्चन है जो तरीका है सॉरी आपके क्वेश्चन का जो आंसर देने का तरीका है, मेरी कोशिश क्या होगी, मेरी कोशिश मेरी प्रैक्टिस क्या है, आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू दिस सॉल्यूशन स्ट्रेट अवे, आई वॉन्ट यू टू थिंक, आई विल मेक यू गेट द आंसर योर सेल्फ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू बट अदरवाइज मैक्सिमम ऑफ यू 99% ऑफ माई पास एक्सपीरियंस सेज 100% नहीं हुआ है मेरे साथ बट 99% मैं आप ही से जवाब निकलवा लूंगा आंसर, आई विल टेक यू टू द आंसर। क्योंकि देखो ऐसा है, कहा यह जाता है, कहावत अगर आपने सुनी होगी, गिव अ मैन अ फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर द डे, आप एक इंसान एक बंदे को आप फिश दे दो, ले भाई खा उसको, यू कैन फीड हिम फॉर द डे, एंड इफ यू टीच हिम हाउ टू फिश यू विल फीड हिम फॉर लाइफ, अब अपने आप करता रहे। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट यू टू द आंसर, you give the answer and I have that much of teaching experience as well as you know technique to get that answer out of at least 99%, 1% mein fir main end mein kehta hu bhai ye yahi answer hai aise hai, 99% ko samajh mein aa gaya, kyunki kai baar aisa hota hai kisi ko nahi aa pata, fir main kehta hu class ke baad alag se puch liyo bhai, main fir se samjha dunga agar bahut zyada time ja raha hoga, which is 1% of the cases, not much। Anyhow, अब बढ़ते हैं आगे। So guys, what you need to do, again, let me talk about this, you need to make mini-max plans, how? I will guide you in this regard, कि आपको mini-max plans अगर बनाने हैं, तो आपको कैसे अपने mini-max plans बनाने चाहिए, I will be sharing with you. Then, it is extremely important, जो ये plans बनाओगे ना, आप दिन में 24 घंटे में, जितने भी घंटे जगते हो, जितने घंटे सोते हो, उसको तो छोड़ दो, let's say 6 hours you sleep, 7 hours you sleep, whatever, जितने घंटे आप सोते हो, 8 घंटे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, इफ यू स्लीप वॉट एवर, जितने भी घंटे आप सोते हो, जितने घंटे जगते हो, जैसे अगर आप 8 आवर्स सो रहे हो आउट ऑफ 24 आवर्स, तो इन 16 आवर्स जो जगे हो गए उसमें ऑलमोस्ट 80% का आपको स्केड्यूल बनाना है, अवेक टाइम का ऑलमोस्ट 80% का आपको अपना रिटर्न प्लान रखना है, 20% छोड़ दो खुला, इवन ट्रेवलिंग टाइम भी लिखो इसमें कि भाई मेरा ये ट्रेवलिंग टाइम होगा, मेरा ये वाला टाइम होगा, मेरा लंच का टाइम होगा, व्हाटएवर एक्स वाई जी, व्हाटएवर, राइट दैट डाउन और अपने लिए डेडलाइन सेट करो कि भैया ये डेडलाइन है, ये अब तक करना है, तब तक जब सेल्फ स्टडी कर रहे होगे ना तब खास करके होगा, जब तक हम पढ़ा रहे हैं
तो उस टाइम पे तो प्रिसाइजली आपको करना क्या, सिंपल सी बात है, आपको अपनी क्लास में अटेंटिवली रहना है, दैट्स इट। बट जब आप पढ़ रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो डेडलाइन सेट करो, ऑर्गेनाइज और प्रायोरिटाइज करो अपने टास्क को कि क्या चीज जरूरी है। और इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू स्टे फोकस्ड, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज टू स्टे फोकस्ड, और प्लीज डू नॉट मिस एनी ऑफ योर क्लासेस, अटेंड योर क्लासेस एक्टिवली एंड रेगुलरली, नो क्लासेस मिसिंग। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगा, देखो मैंने अगर कभी आपकी छुट्टी करनी होगी, पॉसिबल है ऑब्वियसली, बट मेरे टीचिंग करियर में मैंने आज तक दो बार अपनी क्लास कैंसिल करी है इतने सालों में। वो किस हिसाब से कैंसिल करी है मैं आपको बता देता हूं। वंस देयर वाज सम गुरु राम रहीम का कुछ लफड़ा चल रहा था, बच्चे आ नहीं पा रहे थे और पिछले दिन से न्यूज देखते जा रहे थे। मैं अगर आपको छुट्टी करूंगा ना, मैं पहले बता दूंगा कल छुट्टी है या दो दिन छुट्टी है एक्सेट्रा, आई टेल यू इन एडवांस, आई विल नॉट डू अनअनाउंस छुट्टी। वो सेम डे कपल ऑफ आवर्स बिफोर दी क्लास आई हैड टू कैंसिल, आई हैड टू यू नो सेंड ए मैसेज की गाइज सो सॉरी, वीडियो बनाई, ये किया वो किया, भैया आज नहीं आना, थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है। That was once, and second time was my father had a heart attack, so I had to cancel the class, tell the students not to come. These are the two times. मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं 103 बुखार में पढ़ा चुका हूं, मेरा गला खराब था, लेरिंजाइटिस करके एक बीमारी होती है, उसमें गले से आवाज बहुत मुश्किल निकलती है, ये जो कौआ है या जो भी इसे कहते हो इसको पकड़ के मैंने क्लास ली थी, क्योंकि देखो वो जमाना अलग था, फेस टू फेस की क्लासेस मेजर होती थी, स्टूडेंट्स मेरे पास ऑल इंडिया से जो है आके पढ़ते थे, तो भाई मैं अगर क्लास कैंसिल करता हूं तो हजारों स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, वो कहां कहां से आ रहे हैं और मैं नहीं हूं, ये नहीं हो सकता। तो आई नेवर कैंसिल माई क्लास ऑन माई अकाउंट। हाँ, 103 बुखार हुआ, मैंने क्लास ली, और क्लास लेने के बाद फिर मैंने कह दिया भाई अभी प्लीज दो दिन क्लास नहीं लूंगा, प्री अनाउंस्ड होगी मेरी छुट्टी अगर होगी तो, अनअनाउंस्ड 99.9999999999 बहुत ज्यादा आगे तक ले जाओ चांसेस हैं कि मैं अनअनाउंस्ड छुट्टी नहीं करूंगा, आपको यहां पे बुला के छुट्टी हो जाए नहीं पॉसिबल, मैं पहले से बता दूंगा कि यार छुट्टी है। एनी हाउ, सो यू हैव टू अटेंड योर क्लासेस एक्टिवली एंड रेगुलरली, आपको जो भी होमवर्क मिलेगा आपको रेगुलर बेसिस पे सिंसियरली उस होमवर्क को करना है, प्लीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सक्सेस श्योर शॉट सक्सेस फॉर्मूला के पार्ट है। आपने होमवर्क किया, ग्रेट। अच्छा, होमवर्क के बारे में भी मैं अभी आपको जस्ट अ बिट में बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, होमवर्क का क्या क्राइटेरिया है, क्लास वर्क का क्या क्राइटेरिया है, वो तो मैंने बता दिया था, क्लास वर्क का तो क्राइटेरिया बता दिया था, अभी होमवर्क का भी बताऊंगा। आपको टाइम मैनेजमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ऑलवेज रिव्यू आफ्टर क्लासेस जो आपने पढ़ा। अच्छा, जो भी आपकी क्लास होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक तो मैंने कुछ खास कराया नहीं है, बट जो भी मैंने सक्सेस मंत्रास बताए, फ्यू ऑफ यू वर राइटिंग बट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट राइटिंग, इट्स ओके, इट्स योर कॉल, ये क्लास यूट्यूब पे भी है, ठीक है जी, ये क्लास यूट्यूब पे भी है, और आप सब लोगों को मेरे लेक्चर्स का मैं एक्स्ट्रा व्यू भी दे ही रहा हूं, तो आप लोग फिजिकली यहां हो, जो वर्चुअली स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक्स्ट्रा व्यू है, तो इन केस यू वांट टू रिवाइज एनीथिंग यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ बिग डील। एनी हाउ, तो बट व्हाटएवर, ऑलवेज रिव्यू आफ्टर द क्लास डज नॉट मीन कि यू गो थ्रू द क्लास अगेन, फिर से देखने लग गए, नो, पेजेस पलटो, आज क्या किया, 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर आज की क्लास, हर क्लास, मेरा सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट्स, 10-15 मैक्सिमम 20 मिनट में आपको वो सब्जेक्ट्स जो है रिवाइज कर लेने हैं। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वंस अगेन टू डू व्हाट, टू डू टाइम मैनेजमेंट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली फंडामेंटल क्या है, आपको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क के हिसाब से मैनेज करना है, वील टॉक अबाउट दिस सम अदर डे, क्योंकि आज मैं पढ़ाना भी चाह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ यही चीज नहीं बताना चाह रहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ और चीजें कि भैया आपको घड़ी जरूर होनी चाहिए सबके पास, वॉच, आप मोबाइल में देखें जरूर नहीं है, घड़ी में देखें, टाइम एटसेट्रा घड़ी में देखेंगे इज ऑलवेज गुड फॉर यू, कीप अ वॉच, इट्स वेरी
गुड, आज की डेट में स्मार्ट वॉच आ रही है जो कि कितने कदम चल लिए हो और सस्ती सस्ती आ रही है, वो भी अब बता देते हैं। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। देन ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू टेक ब्रेक्स, यू हैव टू टेक ब्रेक्स, बट टाइम बाउंड। मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं, अनलिमिटेड ब्रेक्स नहीं होंगे। जैसे मैं भी आपको अपनी क्लास में ब्रेक दूंगा, मैं अभी बस ब्रेक देने ही वाला हूं, अब मैं पढ़ाना शुरू करने वाला हूं, तो मैं उससे पहले आपको एक शॉर्ट ब्रेक दे दूंगा। देन टेक ब्रेक्स बट टाइम बाउंड। ओके, इतने मिनट का है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वट एवर, टाइम बाउंड। यू सी हाउ मच ब्रेक यू नीड। एंड जब आप अपने प्लान्स बनाते हैं, डू नॉट ओवर बर्डन योर सेल्फ, कीप एडिक्वेट मार्जिन। जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैं 10% मार्जिन जोड़ दूंगा यार, जितना टाइम लगना है मैं उसमें 10% और दूंगा, कोई स्लो भी हो सकता है, एवरेज टाइम प्लस 10%, चल कोई बात नहीं, ले ले। अच्छा, आप सब लोग फिजिकली यहां पे आ रहे हैं, जो लोग भी यहां पे बैठे हैं, ऑल ऑफ यू गाइज आर फिजिकली कमिंग ओवर हियर। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज योर ट्रेवलिंग टाइम, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज योर ट्रेवलिंग टाइम, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपना ट्रेवलिंग टाइम काफी साल से, बहुत साल से, स्कूल डेज से मेरे पिताजी ने बताया था कि बेटा ट्रेवलिंग टाइम यूटिलाइज किया करो, तो आई हैव बीन यूटिलाइजिंग माई ट्रेवलिंग टाइम, टिल डेट आई एम यूटिलाइजिंग माई ट्रेवलिंग टाइम, इट इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेवलिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में भी सम अदर डे आई विल टॉक, कि कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है आपके ट्रेवलिंग टाइम की। देन उसके बाद आपके रजिस्टर्स पे, हर एक पे, हर रजिस्टर पे आपको पेज नंबर लिखने हैं, जो आपके रजिस्टर्स हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऊपर टॉप में या तो डेट या पेज नंबर लिखा होता है, लेकिन आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पेज नंबर लिखने हैं, और इवन आपको अपने हर रजिस्टर, हर सब्जेक्ट में इंडेक्स बनाना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इंडेक्स एंड पेज नंबर्स। एंड जब भी आपका कोई चैप्टर खत्म होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे जो भी चैप्टर्स खत्म होंगे, मैं हर चैप्टर के एंड पे आपका टेस्ट लूंगा, और वो आपको टेस्ट देने हैं। यू हैव टू गिव योर टेस्ट ऑनेस्टली सिंसियरली, you have to give your tests honestly and sincerely, you cannot skip any tests. Now I would like to tell you once again, maine abhi aapko kya baat batayi thi, main theory concepts aapko pehle samjhaunga, fir uske baad theory aur equations likhwa dunga. Unsolved problem main kya karunga, unsolved problem main aap logon ko kahunga, guys you read, I'll wait. Fir uske baad unsolved problems jab aap padh chuke honge to uske baad main fir read karunga, mere sath sath read karenge aap, समझेंगे, उस टाइम पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और धीरे धीरे, शुरू में नहीं बट धीरे धीरे आगे चल के मैं इनको साथ के साथ रीड करते हुए कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करवाना सिखा दूंगा, कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी हो, आओ कैलकुलेटर हाथ में रखो, सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, सेकंड टाइम पढ़ते हुए लेट अस डू द मैथमेटिक्स आल्सो, साथ के साथ हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वी विल सॉल्व द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स इन दिस मैनर। सॉल्व प्रॉब्लम्स का, मैंने आपकी जो बुक है उसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक आपकी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एक आपकी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, सेल्फ असेसमेंट, खुद के लिए देखो क्या है। तो सेल्फ असेसमेंट, सारी मेरी जितनी भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनसॉल्व क्वेश्चन सारे के सारे मैं क्लास में करवाऊंगा, और सॉल्व क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको होमवर्क दूंगा। अब मजे की बात क्या है, जब आप होमवर्क करेंगे, होमवर्क में होगा क्या, आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, पहले तो आप क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे, फिर दूसरी बार पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ने के बाद आप उसको अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है आप क्वेश्चन में अटक जाओ, यू गेट स्टक अप, यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा, सी दी सॉल्यूशन, हो सकता है देख के समझ में आ जाए, इट्स ओके, नया सब्जेक्ट है यार, कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल जैसी प्रॉब्लम क्लास में कराई है वैसी की वैसी होमवर्क में दे दूं, जरूरी नहीं है, कुछ सिमिलर भी होंगी, कुछ डिफरेंट भी होंगी, थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट तो होना चाहिए, कुछ दिमाग और भी तो लगवाऊं, सिर्फ और सिर्फ सेम फिगर बदल बदल के दे दूं फिर क्या फायदा है। नो, आई वॉन्ट यू टू यूज योर ब्रेन्स, बट इन केस यू गेट स्टक अप, नो प्रॉब्लम्स, 10 में से 5 या 6 सवाल में आप अटक सकते हो शुरुआत में, बाद में ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी 3 हो जाएगी 2 हो जाएगी, एंड में मुश्किल से आपका 10 में से 1 या 2 हार्डली लास्ट तक में के आंसर देखने पड़ेंगे, शुरुआत में देखने पड़ते हैं 50-60%, it is okay, don't worry about that. So when you read the question once, then you read the question twice, you try to attempt it, you might get stuck up, you look at the solution. आपको solution देख के समझ में आता है, अरे हाँ ये करना था, अच्छा इसका मतलब, ओहो ठीक है, then solve it. अब आपने solution देखा, अभी भी नहीं समझ में, अबे यार ये तो फसूड़ी है,
मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं मैं उनके आपको डिस्कशंस दूंगा। मैं हर प्रॉब्लम को जैसे क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा वही सेम पैटर्न में लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड मैं वैसे ही आपको डिस्कशन जो है अपना रिकॉर्डिंग दूंगा कि इन केस यू गेट स्टक अप लुक एट दिस सॉल्यूशन। एबल टू अंडरस्टैंड ग्रेट, नॉट एबल टू गेट इट ओके वॉच द डिस्कशन, वॉच द डिस्कशन अब तो समझ में आ ही जाएगा। ओ भाई साहब मैंने डिस्कशन देख लिया तब भी नहीं आया, वन आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट में गेट स्टक अप इन दिस ऑल्सो कि भाई मैंने डिस्कशन भी देख लिया अब भी नहीं समझ में आया। मैं हूं ना, मेरे से पूछ लो, आस्क मी, आई एम हियर। आप लोग फेस टू फेस आ रहे हो मेरे से पूछ लेना, वर्चुअल वाले मैं अभी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा आप लोग भी नोट कर लेना, बट आप तो मेरे से सीधा बात करना ना, व्हाट्सएप व्हाट्सएप क्यों खेलोगे मेरे साथ, आप लोग तो यहीं आ रहे हो, जो वर्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, है ना। जो जब यूट्यूब की क्लासेस यूट्यूब पे जो लाइव क्लासेस जा रही है वो खत्म हो जाएंगी तब व्हाट्सएप नंबर दूंगा, नहीं तो पता नहीं कहां कहां से मेरे पास क्या क्या आता रहेगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल नंबर है, तो मुझे क्या क्या और कुछ कुछ मेरा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ना। एनी हाउ तो आई विल गिव यू माई नंबर व्हाट्सएप एनी हाउ, तो वन आउट ऑफ 1000 इफ एनीबडी गेट्स स्टक अप ओवर हियर आई विल बी हेल्पिंग यू टू गेट टू दैट सॉल्यूशन एनी हाउ। तो फाइनली आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा अब मेरी बात सुन लो, अब ये वाला मॉर्निंग का जो ब्रेक है क्योंकि क्लास के बाद भी ब्रेक है आपका अगली क्लास के बीच में वो थोड़ा सा लंबा चाहिए होगा आपको, तो मैं इसका 7 मिनट्स ब्रेक दूं चलेगा, इज इट ओके? यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स, यू कैन यूज द रेस्ट रूम एटसेट्रा, यू कैन ड्रिंक सम वाटर इफ यू वॉन्ट टू ईट। अच्छा मेरी क्लास में यू फील फ्री, आपको भूख लगती है क्लास में 7:30 बजे लगती है, 8 बजे लगती है, 9 बजे लगती है, कितने भी बजे लगती है, यू ओपन अप योर टिफिन एंड स्टार्ट ईटिंग, आई हैव नो इश्यूज। भाई इंसान जीता किस लिए, खाने के लिए, खाओ कोई टेंशन नहीं। एंड मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है प्लीज ब्रिंग योर वाटर बॉटल्स एंड सिप अ लिटिल बिट ऑफ वाटर बॉटल एवरी 45 मिनट्स। आप अगर देखेंगे तो मैं अभी तक एक बोतल टपका चुका हूं, आई एम ऑलरेडी डन विद वन, द सेकेंड वन इज हेयर। तो द पॉइंट दैट आई एम सेइंग टू यू इज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट इट इज गुड एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन्स, इट विल रिफ्रेश योर ब्रेन्स। भरने लेना है बट एटलीस्ट कम से कम 2-3 सिप जरूर लो, भरना है तो भर लो फिर एक्चुअली जाना पड़ेगा, ठीक है जी। सी यू इन अ वाइल, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट राइट राइट,
चलो गाइस फाइनली लेट अस स्टार्ट. सब लोग सेटल डाउन हो जाओ. नाउ गाइस हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने रजिस्टर पे अपना नाम लिख चुके हो एंड अफर्मेशन जो भी आपके गोल्स हैं वो लिख चुके हो. नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, आज या मैक्सिमम बाय नेक्स्ट क्लास सेकंड क्लास तक लिख लेना अफर्मेशंस गोल्स आपके जो भी हैं इन रिलेशन टू दिस सब्जेक्ट एज वेल एज वेदर टू पास और स्कोर रैंक. प्लीज राइट योर अफर्मेशंस ऑन योर रजिस्टर फर्स्ट पेज. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. नाउ कमिंग बैक टू दिस गाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट थिंग लाना यार इसे. We'll discuss the pattern of CMA का question paper. CMA का question paper किस तरह का आता है मैं ये चीज आप लोगों से discuss करना चाहूंगा. देखिए total मिला के आपके 6 सवाल आते हैं, total मिला के आपके 6 questions होते हैं जिसमें से कि question number 1 जो होता है वो compulsory होता है और उसमें 5-5 marks के 4 parts होते हैं, 4 chapter cover करता है, 4 chapters cover करता है. 5 मार्क्स का एक चैप्टर का कोई प्रैक्टिकल आ जाएगा, 5 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स का एक, ठीक है जी. ये कंपलसरी क्वेश्चन है, दिस इज अ कंपलसरी क्वेश्चन, समझे. दिस इज अ कंपलसरी क्वेश्चन, बोले तो करना ही करना है, नहीं किया तो अंडा. लेकिन बाकी जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 to 5, 2, 3, 4, 5 यूजुअली ये प्रैक्टिकल होते हैं 20-20 मार्क के, लेकिन 20 का एक पार्ट नहीं होता, जनरली 10-10 मार्क के पार्ट होते हैं या 10-5-5 के होते हैं, ऐसे करके हो जाता है. ये यूजुअली इस हिसाब से 100 मार्क का प्रैक्टिकल आ जाता है. व्हाई एम आई सेइंग यूजुअली प्रैक्टिकल, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी एक क्वेश्चन में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 4 मार्क्स की थ्योरी, ऐसे भी कर देता है कभी कभी इन 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में. और लास्ट क्वेश्चन यूजुअली थ्योरी होता है, कभी कभी इसमें प्रैक्टिकल भी आया हुआ है बट मोस्टली ये थ्योरी आता है. 5-5 मार्क के 5 पार्ट्स होते हैं लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4. तो कहने का मतलब क्या है गाइज, व्हाट इज हैपनिंग इज आपका सीएमए का जो पेपर है ऑब्वियसली 100 मार्क्स का है. मैं फिर से बताना चाह रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, नो कंफ्यूजन इन दिस, लिख लीजिएगा बिकॉज आपका पेपर का पैटर्न इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और ये कंपलसरी में क्या होता है, 5 मार्क्स के नो चॉइस, नो इंटरनल चॉइस, ये 4 पार्ट्स होते हैं. तो माइंड यू सारे सवाल 20-20 मार्क के हैं, ये 20 मार्क्स हो गया. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये यूजुअली ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होते हैं, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल. आइदर दीज विल बी 10 and 10 और दीज विल बी 10-5-5 और दीज विल बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, 8-8-4. कभी कभी इनमें थ्योरी एक दो सवाल में अटका देता है, कभी कभी, नॉट रेगुलर बट कभी कभी अटका देता है. तो दीज आर ऑल 20 मार्क्स एंड यूजुअली ये पांचों मार्क्स, पांचों जो सवाल हैं आपके प्रैक्टिकली होते हैं, ये तो हमेशा प्रैक्टिकली आया है. लास्ट क्वेश्चन यूजुअली इज थ्योरी, ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स के 5 पार्ट्स हैं, लेकिन यू हैव टू डू एनी 4. तो ये आपका पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए. इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई हमने इस तरीके से करना है तो हम इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिस इज वॉट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर. तो नो डाउट्स अबाउट इट, हमारा फोकस प्रैक्टिकल पे ज्यादा रहेगा बट मैं थ्योरी स्किप
नहीं कराऊंगा, मैं थ्योरी भी सारी समझाऊंगा, ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरी आई विल एक्सप्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आई विल इवन मेक यू राइट, बट अदरवाइज सम थ्योरी आई विल जस्ट एक्सप्लेन एंड यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, ठीक है गाइस? कैन आई प्रोसीड फर्दर? डन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके कोर्स में टोटल मिला के 15 चैप्टर्स हैं, लेकिन 15 चैप्टर्स से पहले मैं ना एक चीज प्रेफर करूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूं एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये आईपीसीई सिलेबस, आईपीसीई कहते हैं न्यू सिलेबस, वैसे आपका सिलेबस का नाम इंटरमीडिएट है, बट इससे पहले इसका नाम होता था इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन, पहले नाम था आईपीसीई, ठीक है जी? तो बट आज की डेट में अभी इसको इंटरमीडिएट कहते हैं, बट ये सीए इंस्टीट्यूट की ही वेबसाइट पे मैंने खोला हुआ है, सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप जाओगे तो www.ici.org पे जाके बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करके इंटरमीडिएट पे जाके, इंटरमीडिएट में आप क्वेश्चन पेपर्स की आपको जैसे ऑप्शन मिलेगी इफ यू वांट टू सी, तो ये क्वेश्चन पेपर्स जो आपको यहां पर दिख जाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर किसी भी क्वेश्चन पेपर को क्लिक किया, जैसे ये क्लिक कर लिया मैंने अभी आपको ये क्लिक करके दिखा रखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज May 22 का एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं पेपर, आप अगर देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन, जस्ट डोंट, अभी चैप्टर की कहानी तो पता नहीं है, बट ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, फिगर्स दिख रही है ना, दिस इज 5 मार्क्स का, 4 पार्ट्स 5 मार्क्स ईच, ये क्वेश्चन नंबर वन का ए बी प्रैक्टिकल अगेन, सी प्रैक्टिकल अगेन, डी प्रैक्टिकल अगेन, ऑल विद फिगर्स, ये फुल आउट ऑफ फुल का तैयारी है, विल प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स वेल, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस यूजुअली प्रैक्टिकल आते हैं यूजुअली, तो जैसे 2 का A 10 मार्क्स, देन 2 का B 5 मार्क्स और 2 का C ये थियरी आ गया, ये 1 थियरी, बट इसमें भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही लिखा है तो, ठीक है जी? फिर इसी ये सही मिलेंगे फुल आउट ऑफ फुल, जैसे कि आप देख सकते हैं एज द केस में भी इस बार भी वैसा ही रिजल्ट 100 out of 100 विद थियरी है, ठीक है जी? तो हम लोग बात करते हैं 3A 10 मार्क्स, 3B 10 मार्क्स, 10 और 10 का हो गया, फिर इसी तरीके से बात करते हैं 4A 10 मार्क्स एंड देन 4B 5 मार्क्स, 4C 5 मार्क्स, ये सारे प्रैक्टिकल हैं, 5A 10 मार्क्स, देन 5B 5 मार्क्स, 5C 5 मार्क्स, ये सारा प्रैक्टिकल है, और लास्ट क्वेश्चन यूजुअली थियरी आता है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 5, देखिएगा इस, तो यहां पर ABCDE पार्ट्स हैं, बट ये भी जो है बड़ी सिंपल, आपको आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग करना है, मेथड्स में आपको सिर्फ एक एक वर्ड लिखना है और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलना है कि भाई इसमें ये वाला मेथड लगता है, इसमें ये वाला मेथड लगता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो थियरी भी हमें तैयारी करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रैक्टिकल की भी तैयारी करनी है। आई थिंक 1 क्वेश्चन पेपर इज सफिशियंट, शुड आई शो यू December 21 या चलेगा? पेपर का पैटर्न अभी प्रेजेंटली यही है, यू नीड टू नो दिस पैटर्न बिकॉज दिस इज द वे हाउ द क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम्स। नाउ टोटल मिला के आपके गाइस 15 चैप्टर्स हैं, एंड आई वॉन्ट यू टू राइट दीज चैप्टर्स एंड देयर मार्क्स का वेटेज ऑल्सो, और मैं हवा में बात बिल्कुल नहीं करूंगा, जैसे मैंने आपको ये वाली चीज बताई तो ये बताने के साथ मैंने आपको साथ में प्रूफ दे दिया, ठीक है जी? गाइज माय लाइफ इज डिवोटेड टू दीज सब्जेक्ट्स, कॉस्ट एंड फाइनेंस, एंड आई एम वेरी मच सिंसियर इन माय वर्क, वेरी सिंसियर इन माय वर्क, आई एम वेरी ऑनेस्ट डेडिकेटेड, एंड यू विल सी इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल एक्सपीरियंस इट। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न बताया, अब मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैप्टर्स, अभी मार्क्स नहीं लिखेंगे, चैप्टर्स के नाम नहीं लिखेंगे, इंट्रोडक्शन टू सीएमए, ये आपका थियरी है जो अभी आज मैं अभी जिसको हाथ लगा रहा हूं, जिसको जस्ट टच कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू सीएमए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, एंड सो ऑन फ्यू थिंग्स, कॉस्ट कितने तरह की होती है, आज हम शुरू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी? तो ये थियरी है पूरा, और
इंट्रोडक्शन टू सीएमए जो है ये 5 से लेकर 10 मार्क का इसका थ्योरी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मटेरियल कॉस्ट एक चैप्टर है आपका, ये 5 to 10 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक चैप्टर है, ये 5 से 10 मार्क्स का आता है। ओवरहेड्स 5 to 10 मार्क्स का आता है। एक एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर है, ये 10 मार्क्स का कंसिस्टेंटली हर बार आ रहा है। सर जी आप ये कह रहे हो हम कैसे मान ले, लो ना मैंने आप लोगों के लिए मेहनत कर रखी है ना, ये देख लो ना, ये देख लो यहाँ पर, ये आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका इंट्रोडक्शन टू सीएमए है। और ये अटेम्प्ट वाइज अगर मैं दिखाऊं तो मई 18 में 7.5 मार्क्स का, मीन एक 5 मार्क्स का पार्ट और एक 5 में हाफ, 2.5 ये 2.5 दूसरा कुछ था, तो ये 7.5, 5, 5, 5, ये ब्लू मीन्स, मैंने अब कलर कोडिंग बता देता हूं, ब्लू कलर मीन्स थियरी क्वेश्चन, ब्लू कलर मीन्स थियरी क्वेश्चन, रेड कलर जो आगे आएगा इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, रेड कलर है अगर बार डायग्राम में दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, राइट, ब्लू मीन्स थियरी एंड ब्लैक मीन्स टोटल, ब्लैक मीन्स टोटल, रेड और ब्लू होंगे। अब ये तो थियरी चैप्टर है, तो इस थियरी चैप्टर में आप देख सकते हो 5-5 मार्क्स के दो पार्ट, 5-5 मार्क्स के दो पार्ट, देन 5, देन 5 के दो पार्ट, देन 5, ऐसे करके आपका इंट्रोडक्शन टू सीएमए जो है आया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला, 10 मैक्सिमम है, 5 मिनिमम है, एंड यू कैन सी ओवर हियर दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, 5 to 10 मैंने आपको बोला। इस तरीके से मटेरियल कॉस्ट की अगर बात करूं, अब मैं मेजर फोकस करूंगा प्रैक्टिकल पे, आई विल फोकस मोस्टली ऑन प्रैक्टिकल, तो लेट मी शो यू, ये आपका मटेरियल कॉस्ट का है, मैं प्रैक्टिकल की रेंज बता रहा हूं 5 to 10। आप ये देखो इसमें थियरी भी आई है, मैं ये नहीं कह रहा थियरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, विल गिव अ लॉट ऑफ टाइम, इस जैसे मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर है, मिनी मैक्स प्लान के हिसाब से बताऊं तो कम से कम इसमें 8 क्लासेस लगेंगी, मैक्सिमम 10, 8 से 10 क्लासेस हम लोग इस चैप्टर पे लगाएंगे, थ्योरी भी अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो 7.5 मार्क की थ्योरी, बट मैं 10 मार्क का प्रैक्टिकल, मैं क्या कह रहा हूं 5 to 10 मैंने कैसे बोला, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं, इसमें 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल या 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 5 की थ्योरी, टोटल 10 हो गया, ठीक है जी, प्रैक्टिकल देखेंगे सिर्फ रेड, 10, 5, 10, 5, 10, देन उसके बाद सिर्फ थ्योरी आया 5, 5, 5, तो 5 to 10, हेंस यू कैन सी योर मटेरियल कॉस्ट जो है, मैंने उस हिसाब से आप लोगों को ये दिखा दिया कि 5 to 10 का है। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी 5 to 10 का है, ओवरहेड्स भी 5 to 10 का है, देख लेते हैं अभी के अभी, ये देखो ये रहा हमारा पास्ट एग्जामिनेशन, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, यहां 5 का प्रैक्टिकल, थ्योरी है, यस थ्योरी इसकी भी बहुत अच्छे से करेंगे बट प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, 5, 10, 6, 10, 5, 5, 5 as the case में भी, और ओवरहेड्स का भी मैंने आपको क्या बोला 5 to 10, तो 5, 5, फिर 10, 10, 5, 5, फिर 10, और मई 22 नहीं आया। देन इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मैंने कहा हर अटेम्प्ट में दबा के हर बार 10 मार्क का ले, 10, 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
is 10 marks. And that is why I have written, if you will see over here, कि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैंने यही लिखा हुआ, activity based costing is 10 marks. Consistently 10 marks का ही है. Then इसी तरीके से, if you want, तो ये bar diagrams मैंने उस हिसाब से ही सब के बना रखे हैं attempt wise. Cost sheet 10 mark का consistently, ये देखो आपको cost sheet दिखाते हैं, भाई साहब cost sheet ऐसा इतना पसंद है इन्हें, 10, 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 10. एक बार 10-10 mark के दो part आ गए, एक बार, only once. तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, we say cost sheet 10 marks, 20 that was only an exception. तो इसको consistency नहीं कह सकते. That was only once that it came 10 marks ke do parts. Otherwise than that, har bar 10 mark ka hai hi hai. Toh main isliye 10 mark likh diya. That was only an exception out of these many number of attempts, only once. 20, that was only once. So let's not count that. Cost book keeping 5 to 10, reconciliation 5 to 10, job batch costing 5 to 10, contract costing 5 to 10, process costing 10 to 15. This is again another important chapter. This will also take minimum 7, maximum 9 classes. Process costing is again a big topic. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दिखाऊंगा हर अटेम्प्ट में 10 मार्क का प्रैक्टिकल. इफ आई शो यू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यू विल सी, ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पे आ जाता हूं सीधा, कॉस्ट बुक कीपिंग, ये कौन सा है हमारा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग, यू नो ये 15 मार्क का कैसे आ रहा है, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. कंपल्सरी क्वेश्चन में भी 5 होता है और आगे भी 10 का होता है, इसका 5 बहुत बार, 5 मार्क्स कंपल्सरी 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 कंपल्सरी,
एंड देन 10 मार्क्स का आ गया और. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल. प्रोसेस कॉस्टिंग, यू विल एंजॉय इट. आपको सारे चैप्टर्स में खूब मजा आएगा. मैं एनिमेशन स्टोरीज वगैरह के थ्रू कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हुए केसेस बताते हुए फिर डिस्कस करूंगा. तो ये आप देख सकते हैं 10 मार्क्स, देन 5, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, सो मेनी टाइम्स, देन अगेन 5 एंड देन 15 प्रैक्टिकल. एंड एज आई वॉज टेलिंग यू गाइज, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 10 मार्क, 10, 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 बस एक बार 5 है, ठीक है जी, और दूसरी बार 5 है. तो मैं मोस्टली इसको स्टिल मानता हूं कि यार ये इसकी वेटेज जो है ज्यादातर 10 मार्क्स की है. तो लेट्स फोकस कि भैया ये 10 मार्क की इंपॉर्टेंस है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा. और इसमें भी नंबर ऑफ क्लासेस मिनिमम 5, मैक्सिमम 7 लगनी है. एनी हाउ, देन लेट्स मूव मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल. वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग भी 15 का आया हुआ है, यहां पता नहीं टाइपिंग में एरर हो गई है मेरे से शायद. मार्जिनल कॉस्टिंग भी 5 to 15 है. मार्जिनल कॉस्टिंग इटसेल्फ आल्सो हैज कम अ नंबर ऑफ टाइम्स इन कंपल्सरी एज वेल एज बाद में भी इसका रहा है. तो लेट मी जस्ट शो यू, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखो, 10, 10, 10, 5, 5, 5, 5 से 10. लेट मी टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग. ये आप देखो मार्जिनल मिल जाइए रहा, आप देखो 15, 15 एंड 15 कंपल्सरी क्वेश्चन एंड बाद में 10 मार्क और. बट अदरवाइज इन दैट 10, 10, 10 एंड देन 5, 5, 5 भी नंबर ऑफ टाइम्स आया है. तो 5 to 10 नहीं, इसको 5 to 15 लिखेंगे. I will correct it before you guys write it. ठीक है जी, these are the 15 chapters that you have to study. तो जान पहचान में actually ना मैं एक चीज believe करता हूं. देखो पहली बार में आप कभी भी किसी इंसान से मिलते हैं, whenever you meet a person for the first time in your life, you cannot say that this person is my friend. You can say he is an acquaintance. जान पहचान है मेरी. तो आज की क्लास हमारी जान पहचान की है विद दिस सब्जेक्ट, नॉट विद मी. मैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड हूं. अभी आप सून इनफ मानने लग जाएंगे, अगर मानेंगे तो, बाकी आपकी मर्जी है. नाउ जान पहचान पहली बार में होती है जान पहचान, और फिर जब आप उससे रेगुलरली मिलते रहते हैं तो होती है फ्रेंडशिप. दोस्ती का जहाज फ्रेंडशिप, और तीसरा नंबर जब आप उससे कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली मिलते रहते हैं और आपकी ट्यूनिंग सही बैठ जाती है तो हो जाता है प्यार. सो दीज आर द स्टेप्स. मैंने क्या करना है आज की क्लास में, मैं जान पहचान करा रहा हूं. नेक्स्ट क्लास वैसे मेनली जान पहचान, जो डीपली जान पहचान होगी वो तो नेक्स्ट क्लास में ही होगी कायदे से बोलूं तो. फिर फ्रेंडशिप होगी, और प्यार करने के लिए मैं आपको अकेले छोड़ दूंगा. ये किसके सीएमए से हो रही है, ये आपसे नहीं हो रही, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हो रही है. हटाना यार एक मिनट. तो गाइस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दिस, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ऑब्वियसली बात है अभी आप ये चैप्टर्स को तो लिख ही लोगे. मैं एक बार इसको मार्जिनल कॉस्टिंग को भी 15 कर लूं, करेक्ट. और बट ऑब्वियसली बात है दैट आई विश दैट यू गाइज फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग जो है फॉल इन लव या राइज इन लव जैसा मर्जी कह दें, तो कायदे से बहुत ज्यादा जरूरी है. कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में है क्या चीज, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसके लिए एक छोटा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन पहली क्लास के लिए. भाई एक मिनट, यस करेक्ट, परफेक्ट है. लाना यार, लाएंगे जरा. व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, लेट अस सी व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. हियर वी गो भाई, फुल स्क्रीन. बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर. के की एंट्री है. ओए
आवाज क्यों नहीं आ रही थी? कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए। देवी आपने कुछ कहा? अब हम तेरे को अपनी वैलेंटाइन बनाना चाहता है, बोले तो आई लव यू। अब उनकी गर्लफ्रेंड बन जा, दोनों मिलकर रॉक कर देंगे, बोले तो आग लगा देंगे आग। ओए चल चल आगे निकल। ए शर्मा ना छोड़ता राज, दिल का खोलता आजू बाजू मत देख, ये आई लव यू बोल डाल। अरे भाई क्या हुआ, हसीना मानी या नहीं? भाई हसीना मानी कैसे नहीं, तेरा भाई है ऐसा, और एक बार नहीं छे छे बार आप बोला उसने छे छे बार। पर भाई तुम्हें पता है अगर हसीना मान गई और मेरी भाभी बन गई तो कितने खर्चे होंगे? राम सलाव ओ दा खर्ची लीदा हसी खर्चा लखा दा, ओ दा खर्ची लीदा हसी खर्चा लखा दा, कुड़ी लटपट के लेगी ओ साडा कमट रखा दा, कुड़ी लटपट के लेगी ओ साडा कमट रखा दा। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। आमदनी अठनी घर चार रुपया, आमदनी अठनी घर चार रुपया। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तो भाई प्रॉपर कॉस्ट काउंटिंग करके ही फिर हसीना को मनाना। सही बोलता है, सही बोलता है, सही बोलता है। लाना यार सिर्फ मेरे को लाना, ओनली मी, थैंक यू। सो गाइज मैंने आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहूंगा। तीन लड़के हैं साथ में बैठे हैं, ठीक है, और एक लड़का अपने दोस्त से, दूसरे से और तीसरे से बोलता है, यार भाई मुझे ना वो पसंद है, मैं ना उसको प्रपोज करने जा रहा हूं। तो बाकी दोनों का क्या रिएक्शन होता है? भाभी भाभी भाभी, कहानी खत्म। इतनी तो अकाउंटिंग करते हैं लड़के लोग। और लड़कियों का, तीन लड़कियां साथ में बैठी हैं सहेलियां, और एक लड़की कहती है, अरे सुनो उसने ना मुझे आके प्रपोज किया है। अच्छा उसने तुम्हें प्रपोज किया है? अच्छा एक बात बताओ, घर कैसा है, गाड़ी कौन सी है, जॉब कर रही है, ये उसका अपना बिजनेस है, क्या है, कैसे, अच्छा घर पे कौन कौन है, मतलब यहां क्या है? भाई मुझे वो पसंद है, मैं उसको प्रपोज कर रहा हूं। भाभी कहानी खत्म। यहां भाई साहब इनके पूरे असेट्स लाइबिलिटीज बैलेंस शीट ये वो सब, हां बताओ कितनी प्रॉपर्टी है, इकलौता है या कोई और भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू नो बॉयज एंड गर्ल्स। जस्ट फॉर फन था ये, दिस वॉज जस्ट फॉर फन, दिस इज नथिंग रिलेटेड। कोई कहे हाँ सर ये मेरे साथ ऐसा ही हुआ है तो एनी यू नो लिंक टू दिस इज प्योरली कोइंसिडेंटल, देर इज नो लिंक विद यू नो रियल लाइफ पर्सन, पता चले कि हाँ जी सर ऐसा ही होता है। नाउ मजाक था ये, लाओ यार इसको लाओ। सो माई डियर फ्रेंड्स, दीज आर दी टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी, यू आर गोइंग टू राइट डाउन दी नेम्स ऑफ द टॉपिक्स एंड आई एम जस्ट वेटिंग।
फॉर अ वाइल आप लोग लिख रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं, लिखो, फुल स्क्रीन लगा दे भाई। ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, उनके नेम्स हैं, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नाम हैं, ठीक है।
So guys, before I go in deep in this subject, I would like to ask you, there are two ways of studying. There are two ways of studying. One is deep conceptual clarity. The second is able to solve problems, most problems. And not going deep. There are two strategies. मैं पर्सनली पहले डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फिर सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स. एंड मैं नहीं करवाने में बिलीव करता कि मैं करवाऊं सारी सॉल्व. आई वॉन्ट यू टू बी केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग. सो देर आर टू वेज ऑफ स्टडी. और उसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को. आप लोगों से सवाल पूछूंगा, भाई माइक तैयार रखना. आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, व्हाट इज अ मशीन? हु कैन टेल मी व्हाट इज अ मशीन? रेज योर हैंड. वहां दे दे यार बाजू में. हां मेरे भाई, मशीन इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स आवर वर्क इजी. वो इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारा वर्क इजी कर दे इज अ मशीन. पेन की निब से लेकर पेंट की जिप तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन. तो आई बिलीव दैट्स द वे एजुकेशन शुड बी. इट्स अ वेरी गुड वे. इसी तरीके से होना चाहिए. चीजों को समझ के करें, रट्टाफिकेशन बेकार है. And this is what I'll follow in my class. This is what I have been following. So let us understand. देखिए हमारे subject का नाम लाएंगे यार जरा. My dear friends, हमारे subject का नाम है cost and management accounting. But for your knowledge, cost accounting एक अलग चीज होती है और management accounting एक अलग चीज होती है. Furthermore, for your knowledge, आपको मैं टॉपिक्स के नाम लिखवा चुका हूं. आपके कोर्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तीन टॉपिक्स हैं. लास्ट में जो लिखे थे आपने, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. ये तीनों टेक्निक्स हैं जो कि मैनेजमेंट यूज करती हैं. बजट बनाते हैं लोअर लेवल नहीं, मैनेजमेंट. स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं, काम को एग्जीक्यूट करते हैं, एक्चुअल वर्क करते हैं और फिर स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं. कंपेयर करके देखते हैं कोई वेरियंस वेरिएशन है. ये भी कौन करेगा? मैनेजमेंट. जो बंदा काम कर रहे हो वो नहीं, मैनेजमेंट. और तीसरा मार्जिनल कॉस्टिंग. तो मैं आज आपको आज एक चीज बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना और ये कभी जिंदगी में मत भूलना. जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर कराऊंगा तब भी मैं यही वर्ड्स बोलूंगा. किसी भी इंसान को अगर बिजनेस करना है कभी भी, या किसी बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में आपको डिसीजन मेकर बनना है, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग की नॉलेज होनी ही चाहिए. जिसको मार्जिनल कॉस्टिंग की नॉलेज नहीं है उसको बिजनेस नहीं करना चाहिए और डिसीजन मेकिंग कतई नहीं करनी चाहिए. अगर आपको, अगर इफ मार्जिनल कॉस्टिंग आपको नहीं आता है तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरिया. मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है मार्जिनल कॉस्टिंग. दीज थ्री एरियाज आर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बाकी सारे एरियाज आर कॉस्ट अकाउंटिंग. बाकी सारे जो चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं वो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का एरिया. तो आपका सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आप ऐसा लिखते कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बड़ा अजीब लगता. कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह इसीलिए उन्होंने कह दिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. थैंक यू.
तो अभी हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, अभी बिफोर वी डील विद व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट, फिर देखेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट. कैन एनीबडी एक्सप्लेन? मैं तो बता ही सकता हूं, बट आप में से कोई माइक दो यार, उधर कॉर्नर में. हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश कुछ भी चलेगा, आई एम ओके विद एनीथिंग. ये नहीं है कि आपको कोई डेफिनेशंस बतानी है, नहीं. यस बी जी. एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर किस चीज का? एक्सपेंडिचर चीज का, हर चीज, हर चीज का. लेक्चर देख के आई है? नहीं, पढ़ के आई है. आई एम सो प्राउड ऑफ हर. चॉकलेट देना यार. That's the simplest definition, and rather, that is the definition given by one of the premier institute, जिन्होंने की cost accounting को फैलाया, CIMA London. जो आपके friend ने बोला, expenditure या खर्चा, किस चीज का? किसी भी चीज का. यहां पर मेरे को जवाब आए हुए हैं, सर किसी चीज को बनाने की लागत. अगर मैं बोलू ना cost accounting का हिंदी अनुवाद, लागत लेखांकन. कॉस्ट को कहते हैं लागत हिंदी में, और अकाउंटिंग को कहते हैं लेखांकन. तो कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन. तो आपके दोस्त ने यहां पर दिया हुआ है, सर किसी भी चीज को बनाने की लागत. अब मैं बोलूंगा सिर्फ बनाने के लिए लगेगी, सर्विस की भी लगेगी. सिर्फ बनाने और सर्विस की लगेगी, मैं अगर खरीद के बेचता हूं उसकी नहीं लगेगी, ट्रेडिंग की भी लगेगी. अरे यार मैं ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा, मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, तो भी लगी. अरे आप पढ़ने आ रहे हो तो भी कॉस्ट हो रही है. तो कॉस्ट तो क्या है? किसी भी चीज का खर्चा. तो ये डेफिनेशन मैंने नहीं दी, जैसे बेबी ने बताया ना, आई एम सो प्राउड ऑफ हर. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय CIMA लंडन. व्हाट इज द डेफिनेशन? कॉस्ट इज एन एक्सपेंस एट्रिब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग. कॉस्ट क्या चीज है जी? किसी भी चीज का खर्चा. अब आपके दोस्त बोल रहे हैं सर कोई भी एक्सपेंस जिससे बेनिफिट मिले. अरे जरूरी थोड़ा ना बेनिफिट मिले. मैंने अभी अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला है. आपके फ्रेंड ने बोला सर कोई भी एक्सपेंस जिससे बेनिफिट मिले. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो तो सिर्फ कॉस्ट ही कर रही है, बेनिफिट क्या मिल रहा है ना? जो भी कॉस्ट जिससे बेनिफिट मिले, नॉट नेसेसरी. कॉस्ट इज लागत. कॉस्ट इज एन एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर एट्रिब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग. किसी भी चीज का खर्चा. आप ट्रेडिंग का बोलो, आप मैन्युफैक्चरिंग का बोलो, आप सर्विस का बोलो, आप अदरवाइज खाना खा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी, एक्सवाइज ही, एनीथिंग. कॉस्ट इज एन एक्सपेंस एट्रिब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग. एक तो ये डेफिनेशन हुई. दूसरा, अब पहली चीज एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आपने ग्रुप वन की क्लासेस ली. लेट्स डू द मैथमेटिक्स. Let's do the mathematics this way. Let's say group 1 की classes are combo fees जो है हमारी is, let's take an example, 40,000. Then GST 18%, 7,200. तो fees including GST is 47,200. अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. आप लोगों ने अगर इतनी फीस दी हो, अगर ग्रुप वन के कॉम्बो के लिए, तो भाई हमें तो यह मिलना है, ये तो हमने लेके आगे जमा करा देना है सरकार के पास, जीएसटी अथॉरिटी के पास. बड़ी सिंपल सी बात. तो व्हाट इज देयर? दिस इज द फी दैट वी रिसीव एंड दिस इज व्हाट इज
going from your pocket. For you, this is the cost. This is the cost. Now, yahan cost over here is in relation to a given thing. Ab practically, agar main aapko cost ka aur bataun, to I hope you are able to understand that this is rupees, this is rupees, this is rupees. Yes? To kya main keh sakta hu, cost is in monetary terms? Yes or no? अच्छा अब मैं 12वीं की क्लास की भी आपकी कॉस्ट की बात करता हूं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप पढ़ रहे थे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट. पर मंथ होती थी फीस या टोटल होती थी? पर मंथ कितनी? 1000 रुपए. कितने महीने पढ़ते हो? 12 महीने. 12000. बहुत ही बढ़िया. अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं गाइस. अगर ये हालात है, 12,000 की फीस है एक सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की कितनी है? 25,000. नाइस. मैथ्स की भी बता दो, 1500 पर मंथ, तो इंटू 12 18,000 ले लूं. ये तो यार, ये आपके तीन सब्जेक्ट्स मिला के ये 55,000. इतनी तो सीए भी नहीं है सर, गलत लेवल पढ़ा रहे हो. ये तो तीन सब्जेक्ट्स हैं. एनी हाउ, मुद्दे की बात पे आते हैं. लेट्स नॉट गो इनटू दिस, लेट्स गो इनटू दिस दैट. ये भी आपकी क्या है, ये दिस इज आल्सो फी या आपकी कॉस्ट, जो मर्जी आप कह दो फॉर यू. तो पहली बात क्या है, कॉस्ट मॉनेटरी टर्म्स में होती है. कॉस्ट इज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. और फिर जनरली कॉस्ट जो होती है ना, इनकर होती है. आप अपना कोई भी रिसोर्स देते हो. अच्छा कॉस्ट, अब आप कहो रिसोर्स दे रहे हैं, हम कैश दे रहे हैं, एक तो ये कॉस्ट है. दूसरा एक और कॉस्ट का एग्जाम्पल देता हूं. इमेजिन करो एक बंदा है, वो जगह किराए पे लेता है, रेंट पे, और वहां पे अपनी दुकान खोलेगा. रेंट देता है वो पूरे साल का, लेट्स टेक एन एग्जांपल 20,00,000 रुपए. इज दिस अ कॉस्ट फॉर हिम? कॉस्ट एट्रिब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग? यस. इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने का? यस. लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो रेंट पे नहीं लेता, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, हिज ओन प्रॉपर्टी. अब वो इस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा सकता है और उसको किराया मिलेगा 20,00,000 रुपए. वो कहता है मैं 20,00,000 रुपए नहीं ले रहा, मैं अपना, ये मेरा अपना रिसोर्स है, ये मेरा अपना रिसोर्स है, मैं अपने रिसोर्स को अपने धंधे में यूज कर लेता हूं. आई एम गोइंग टू फोरगो माई रेंट. इज दिस अ कॉस्ट और नॉट? दिस इज अ कॉस्ट. तो कॉस्ट इज नॉट नेसेसरी कि मेरी जेब से कैश ही जाए. तो इसीलिए कॉस्ट को कहते हैं, कॉस्ट पहली चीज इज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस फॉरगॉन. कि यार मैंने, आई एम डूइंग माय बिजनेस एट माय प्लेस, सो आई एम फॉरगोइंग, आई एम लूजिंग 20,00,000 रुपीज का रेंटल. एंड इट मे बी फॉर एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इट मे बी फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, प्रोड्यूसिंग गुड्स, परचेजिंग गुड्स, Giving services या any other purpose, कोई भी any objective. Generally लोग goods और services से ज्यादा link करते हैं, but with any objective, तो once again, cost को कैसे define करते हैं? It is an expense attributable to a given thing, or else cost को हम लोग कैसे और define कर सकते हैं? Cost को ऐसे भी define कर सकते हैं, cost is a measurement in monetary terms. मनी टर्म्स में इसको मेजर करते हैं. अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सेक्रीफाइस और फॉरगॉन. यार मैं अपनी जगह, या तो मैं कैश दे रहा हूं या मैं अपनी जगह यूज कर रहा हूं, एज द केस में भी, इन एक्सचेंज फॉर सम गुड सर्विसेज. जनरली लोग गुड सर्विसेज से लिंक करते हैं, बट इट मे बी ऑल्सो फॉर एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मे बी जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या आपका अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, मैं मेरे लिए कॉस्ट कट कर रहा हूं, मैं अपना खाना खा रहा हूं, वो खरीद रहा हूं, वट एवर एज द केस में भी, एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. What I am talking about is, what is cost? Cost
is an expense attributable to a given thing, or it is an amount. It is cost is measured in monetary terms. It is the amount of resources foregone in exchange of for some goods, services, ya fir any specific objective as the case may be. Ab main khana kha raha hu apne liye, wo mere ko goods mil gaye. ठीक है जी, मैं अपने लिए नहीं, मैं किसी और को खिला रहा हूं. एंड आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, नॉन प्रॉफिट है, मैं लोगों को खाना खिला रहा हूं. अगर आई डोंट हैव, आई एम नॉट गेटिंग एनी गुड्स, आई एम नॉट गेटिंग एनी सर्विसेज, आई एम जस्ट हैविंग एन ऑब्जेक्टिव कि भाई लोगों का भला करना है, व्हाट एज द केस में भी एक्स वाई जी. कमिंग बैक टू दिस, सो नाउ गाइस, कॉस्ट को जितने मुंह उतनी बातें. सबसे सिंपल डेफिनेशन तो है, कॉस्ट इज एन एक्सपेंस एट्रिब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग. बट याद रखना, मनी टर्म्स में मेजर होती है, और आप रिसोर्सेज फॉरगो कर रहे हो, जरूरी नहीं है कैश जाए जेब से. ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना दोस्तों, इस कॉस्ट को पता है क्या कहते हैं, ये जो मैंने अपना अपनी जगह यूज की, इसको आप लोगों को पता होगा, वी कॉल इट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, इंप्लाइड कॉस्ट, मतलब अलग अलग नाम है. सबसे ज्यादा फेमस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. द मोस्ट फेमस टर्मिनोलॉजी फॉर दिस इज आई एम लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गिव इट आउट ऑन रेंट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द मोस्ट यूज टर्मिनोलॉजी. सेकेंड यूज इज इंप्यूटेड. थर्ड नंबर इज इम्प्लिसिट. और फिर नोशनल तो है ही है, क्योंकि एक्चुअल नहीं दिख रहा तो नोशनल है. नाउ नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज कॉस्ट. फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखो दोस्तों, ऐसा है, आई विल टेक यू बैक टू योर एग्जांपल. लेट्स से सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं, 47,200 की आपके चार सब्जेक्ट्स की क्लास है. ठीक है, तो पर सब्जेक्ट एवरेज अगर निकालें 11,800, वहां पर आपने 55,000 बोला था, 54 कर देता हूं या 56 कर देता हूं, मतलब आई वॉन्ट टू गेट अ राउंड आंसर कि आप आसानी से निकाल सको. 54 ले लेता हूं, सीधा आ जाएगा. तीन सब्जेक्ट्स एवरेज कॉस्ट पर सब्जेक्ट, कितनी हुई? 18,000. मस्त है. अच्छा, यहां जो ये चार सब्जेक्ट्स हैं, 400 मार्क्स हैं, तो 47,200 इज फॉर 400 मार्क्स. तो पर मार्क आपने कितना कॉस्ट दिया? एवरेज कॉस्ट पर मार्क 118. और यहां आपने 54,000 दिया 300 मार्क्स के लिए, रुपीज 180 पर मार्क. नेक्स्ट, अब सुनना मेरी बात फर्दर. मैंने आपको क्या कहा, मेरे 80 टू 95 लेक्चर्स लगेंगे. मैं जनरली ऐसा कर देता हूं, 90 लेक्चर मान लेता हूं, 90 लेक्चर्स ऑफ 3 आवर्स ईच, 270 आवर्स. ठीक है, तो एवरेज अगर मैं मानूं तो चारों सब्जेक्ट्स के मिला के 250 घंटे की एवरेज, 250 आवर्स की एवरेज. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका मतलब 250 1000 आवर्स की क्लासेस के लिए आप 47,200 दे रहे हो, तो आपकी कॉस्ट पर क्लास कितनी हुई, पर आवर सॉरी, रुपीज 47.2. अब आप मुझे बताओगे, जो ये आप 54,000 दे रहे थे, एक सब्जेक्ट की एक हफ्ते में कितने दिन क्लास होती है? 3. छुट्टी कभी नहीं होती? 3 दिन. अदरवाइज एमडब्ल्यूएफ है तो एमडब्ल्यूएफ है, कभी ऐसे छुट्टी नहीं होती, महीने में कभी एक भी छुट्टी नहीं होती. ये क्लियर है? मान लो ठीक है,
अच्छा साल के 12 महीने आपकी क्लासेस होती हैं, 12 के 12 मंथ्स, 11 महीने पक्का, 11, 10 महीने क्लासेस होती हैं, एक हफ्ते में तीन, एक महीने में 4 वीक्स, 12 घंटे, 10 महीने एक सब्जेक्ट की क्लासेस हो गई 120, 4 सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो गई 480 आवर्स, तो आपको कॉस्ट पर आर कितनी पड़ी 54, कैलकुलेटर उठाओ यार, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नीड्स टू ब्रिंग अ कैलकुलेटर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए, डिवाइड बाय 480, 112 रुपए और 50 पैसे, सही है ना, दिस इज सो मच लवली, जिनको रेवेन्यू हो रहा है उनके प्रस्पेक्टिव से बोल रहा हूं, आपके प्रस्पेक्टिव से नहीं कह रहा, आपके लिए ये लवली है कि यार एक तो प्रोफेशनल कोर्स, 12वीं की क्या औकात, क्या वैल्यू, और सीए की क्या वैल्यू, इफ यू डू दी, ये जो भी एक्टिविटी अभी मैं कर रहा हूं, पता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉस्टिंग, व्हाट इज दिस कॉल्ड, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट इन रिलेशन टू किसी भी चीज से कर सकते हो, अब जैसे मैंने आपको यहां कॉस्ट पर आर निकलवा दी, या कॉस्ट पर मार्क निकलवा दी, या कॉस्ट पर सब्जेक्ट निकलवा दी, दिस टेक्निक, ये जो मैं कर रहा था, दिस इज कॉल्ड कॉस्टिंग, और हमने बहुत सारे चैप्टर्स में, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, गेटिंग माय पॉइंट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, आपने कॉस्टिंग बहुत ज्यादा करनी है, आपने कैलकुलेशंस बहुत करनी है, तो कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अकाउंट्स भी बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने प्रोबेबली कभी ना कभी अकाउंट्स पढ़ी होगी, आप लोगों से पूछा जाए जी व्हाट इज अकाउंटिंग, एक बात बताओ व्हाट इज अकाउंटिंग, अभी पहले मेन डेफिनेशन से पहले अकाउंटिंग को मैं ऐसे बोलूंगा, इट इज फेमसली नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, नंबर वन, ये तो हो गई एक लेमैन प्रस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बट अगर उसको डिटेल में जाएं तो हम इसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग, रुक जाओ धीरे धीरे, पहले मेरे को लिखने दो यार, तुम बोलते जाओगे मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, इज एन आर्ट, मैं यहीं पे रुक जाता हूं, इट इज एन आर्ट, जैसे मैंने आपको बोला कुकिंग, चपाती बनाना, इट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, इट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, इसी तरीके से ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, हर बंदा अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर सकता है, आई कैन डू अकाउंटिंग एज पर माई वे, यू कैन डू योर वे, बट हां आज की डेट में आ गए स्टैंडर्ड्स कि यार कंपैरिजन हो सके, एक दूसरे से कंपेयर कर सके, हमें ईज हो, समझ में तो आए, तो इसीलिए दो इट इज एन आर्ट बट इट इज ऑल्सो अ साइंस, अभी हम लोग आगे जब आप लिखोगे तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का जब मैं मीनिंग लिखवाऊंगा उसमें मैं आपको बोलूंगा राइट डाउन कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, आर्ट कैसे, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से कर सकता है, और साइंस क्योंकि हमें अल्टीमेटली कॉस्ट को अगर कंपेयर करना है तो हमें कुछ सिस्टम्स लाने पड़ेंगे, हम यहां जो अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं वो कुछ सिस्टम्स के हिसाब से ही है ना, हैव टू बी सर्टेन सिस्टम सर्टेन प्रोसेसेस एंड सो ऑन, खैर बढ़ते आगे, तो कॉस्ट ये अकाउंटिंग जो है इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अब दोस्तों आप लोगों ने ये चीज तो सुनी है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अब आप अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, जैसे आप लोगों ने प्रोबेबली कभी ना कभी देखा होगा कि वाउचर्स या बिल कटते हैं, तो वाउचर्स या बिल होते क्या हैं, रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं हम लोग, रिकॉर्ड कर रहे हैं वाउचर्स या बिल्स, एंड फिर प्लीज ध्यान से सुनना, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफाइंग, आप लोग बचपन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हुए आ रहे हो,
कोई है यहाँ पे जिनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस नहीं है, जिन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई आज तक, फाउंडेशन नहीं किया हुआ आपने, आप डायरेक्ट एंट्री से हो, बेस फाउंडेशन का तो होगा ना, मुझे उससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, आई डोंट नीड एनीथिंग बियॉन्ड फाउंडेशन की अकाउंटिंग, मुझे बस आपका यह पता होना चाहिए कि भी रियल नॉमिनल पर्सनल होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, मेरे कुछ चैप्टर्स में यूज होगा, बाकी अदरवाइज तो मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल यूनिक है। एनी हाउ तो क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं, रियल नॉमिनल एंड पर्सनल में, या फिर क्लासिफाई करते हैं इनटू रेवेन्यू कॉस्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस एंड सो ऑन, क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाइंग वंस अगेन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग फिर समराइजिंग, समराइज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं क्लासिफाई करके उसको, जर्नल एंट्रीज आपने जर्नल एंट्रीज पास कर दी, ओके रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन फिर उसको समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, समराइज कर लिया, ओके जी ये टोटल डेबिट है, ये टोटल क्रेडिट है। अच्छा समराइजिंग के बाद क्या है, इन सिग्निफिकेंट मैनर, देखो हर चिल्लर सी चीज को हम लोग नहीं करते सिग्निफिकेंट मैनर, ओ जी मैंने ₹10 का रिक्शे वाले को दिया, फिर ₹10 जो है मैंने बस का दिया, या ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो भी है इकट्ठा कर दो जी, मैंने ₹400 टैक्सी को दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो इन सिग्निफिकेंट मैनर छोटी छोटी चीजें नहीं, हम उनको क्लब करके इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि एक एक चीज को अगर लिखने लग गए अकाउंट्स में तो बाजा बज जाएगा, इसीलिए हेड्स बना देते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और एज ए केस में भी ये प्रोडक्शन में भी आप चाहो तो ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये टेलीफोन का बिल है, सब ऐसे एज ए केस में। अच्छा सिग्निफिकेंट मैनर, उसके बाद एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिल्कुल सही है, तो हमने पहले ही बोला है कॉस्ट भी मनी में होती है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी आगे बोलो, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स को हमने करना है। अब भाई जो सीईओ ऑफ अ कंपनी है उसको दिल का दौरा पड़ा, आप इसको रिकॉर्ड करोगे, कंपनी को नुकसान होगा, उसके कॉन्टैक्ट थे, वो बिजनेस को अच्छे से समझता था, उसकी स्ट्रेटेजाइजिंग थी, वो स्ट्रेटेजी बनाता था, वो काम करता था, उसका इंपैक्ट होगा, लेकिन सिंस दैट इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, हेंस वी कैन नॉट डू द अकाउंटिंग ऑफ द सेम, हार्ट अटैक अकाउंट डेबिटेड एक्सपेंस हो गया ना, डेबिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नहीं वी कैन नॉट बिकॉज इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, एंड फाइनली इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स thereof, माई डियर फ्रेंड्स इंटरप्रेट कर रहे हैं, अब इतना नेट प्रॉफिट आया, इतना नेट लॉस आया, ये मेरे असेट्स हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये मैंने इतने असेट्स लगाए थे उस पर इतना प्रॉफिट आया है, ये मेरी इतनी सेल्स हुई थी इतना प्रॉफिट आया है, ये मेरे इतने कैपिटल एम्प्लॉयड है इतना प्रॉफिट आया। आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इंटरप्रिटेशन देखी होंगी, तो इंटरप्रेट करते हैं फिर फाइनली रिजल्ट्स थereof के, ओके ये रहा मेरा, तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। बट आप लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी हुई, आपने पढ़ी हुई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसमें एक और टर्म होती है ट्रांजेक्शन ऑफ पास्ट, आपने एक टर्म पढ़ी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसी डेफिनेशन में ट्रांजैक्शंस ऑफ पास्ट होता था, मैंने वो नहीं लिखा क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ अकाउंटिंग बता रहा हूं, क्योंकि मेरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है ना दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट ओनली रिकॉर्ड द पास्ट, इट रिकॉर्ड्स द प्रेजेंट एंड इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स द फ्यूचर,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले आया, आपको बताया सीए इंस्टीट्यूट पहले पैदा हुआ। हमारे इंडिया में दो आईसीआई है, पता है आपको? एक आईसीआई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। पहले इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पहले इनका नाम था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बट जस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक इन्होंने अपना नाम बदलवाया। पहले इन्होंने कोशिश की थी, कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ने कोशिश की थी, वो रखना चाहते थे आईसीएमएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बट सीए इंस्टीट्यूट ने इसमें कहा नहीं जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम तो हम भी करते हैं, और फैक्ट है ये भी करते हैं और ये भी करते हैं, सच है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम तो हम भी करते हैं, इट्स नॉट ओनली दैट दे आर। तो उन्होंने इनके इंस्टीट्यूट का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट होने से रुकवा दिया, तो नाम क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बदल गया, इससे ये नाम हो गया, बट उन्होंने अपने कोर्स का नाम बोल दिया कि हम करा रहे हैं सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स करा रहे हैं। एनी हाउ सब्जेक्ट्स मोर ऑर लेस सेम ही है, टैक्स यहां पे भी है वहां पे भी है, ऑडिट यहां पे भी है वहां पे भी है, बस यहां स्टैट्यूटरी ऑडिट पे फोकस है, इंटरनल ऑडिट पे फोकस है, वहां कॉस्ट ऑडिट पे फोकस है। एनी हाउ लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वापस आ रहे हैं, जस्ट फॉर नॉलेज आपको कई सारी चीजें बताई। बस कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा, वी आर नॉट ओनली रिकॉर्डिंग द पास्ट ट्रांजेक्शन्स, वी आर रिकॉर्डिंग द प्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स एज वेल एज फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। तो एक बात बोलूं, जो पास्ट में हो चुका, जो पास्ट में हो चुका उसको अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट्स एज अ हिस्टोरियन कि भाई ये हुआ था तब, इतने साल पहले ये हुआ था, हिस्टोरियन। वो प्रेजेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ही एक्ट्स एज अ न्यूज एजेंट, ओए सुनो 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 ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड ही ऑल्सो रिकॉर्ड्स द फ्यूचर एंड हेंस ही इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ प्रॉफिट। बच्चा ये होगा, हम बोल रहे हैं ना तो होगा, सो व्हाट इज दिस, ही एक्ट्स एज अ हिस्टोरियन, एज अ न्यूज एजेंट, एज वेल एज अ प्रॉफिट। ठीक है जी, नेक्स्ट। सो फाइनली अकाउंटिंग की एक ये डेफिनेशन थी, एक ये आपने देखी ली, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है गाइस, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में आप कॉस्ट और अकाउंटिंग दोनों को लिख के, फिर उसके बाद शुरुआत में हम लोग नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, दैट्स द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। वंस अगेन, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, इसकी गहराई की डेफिनेशन हम लोग बाद में और पढ़ेंगे। साथ में फिर कॉस्ट अकाउंटिंग focuses on past, present and future. Cost accountant acts as historian, news agent as well as prophet. सब चीजें और बाकी और भी कई सारी चीजें हम लोग next class में पढ़ेंगे, मजा करेंगे, enjoy करेंगे। मेरी तरफ से आज का session समाप्त हुआ। I hope, देखो मैं ना हर, this is very important, another, जो शुरुआत में मैंने आपको बोला affirmation, ये affirmation का very important aspect है। मैं आपसे हर क्लास में पूछूंगा, आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर, दिस सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग। मैं आपसे रोज विदाउट फेल आपसे रोज पूछने वाला हूं, आई होप यू आर फाइंडिंग दिस सब्जेक्ट या दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग। और आप सबका जवाब आना चाहिए यस सर, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। देखिए एक कहावत होती है, नथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन योर करियर, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन योर स्टडीज। Be interested in your studies and I hope you are finding this interesting and easy. You have to tell it to yourself time and again, yes it is easy, yes it is interesting, and you just be interested in that
एंड सक्सेस इज योर्स. सो आई एम आस्किंग यू, जो जिन लोगों को ना लग रहा हो इजी और इंटरेस्टिंग वो चुप रहे, ठीक है जी. बाकी जिन लोगों को इजी और इंटरेस्टिंग लग रहा हो और यही मेंटालिटी से, सक्सेसफुल पर्सन की मेंटालिटी से आप काम करेंगे तभी आप जीत पाएंगे. आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग. गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट. आई विल सी यू टुमारो. मेरी तरफ से बाय बाय है. गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट. और अभी टैक्स की क्लास शुरू होगी थोड़ी देर में. यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट इफ यू डिडंट हैव. सी यू, टाटा, कल मिलते हैं.